जय हिंद मेरे दोस्त। आज तीसरी क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी तक हम पढ़ रहे थे बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। आज मोस्ट प्रोबली इनकम टैक्स का जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे और आज बेसिक पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक बच्चे का डाउट आया था कि सर क्लासें कब तक चलेंगी। मोस्ट प्रोबली 6 महीने या 7 महीने की ये क्लासें होंगी जो वीकेंड पे आपकी चलती हैं दिल्ली में फेस टू फेस। और अभी तक उसने ये भी पूछा कि सर क्लासें अभी थोड़ा सा स्लो चल रही है, तो अभी क्या है, अभी बेस बिल्डिंग चल रही है। मान के चलिए कोई अगर मुझे कोई इमारत खड़ी करनी है तो उसका बेस पहले स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तो इसको खड़ा करने का कोई वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आज की लास्ट क्लास है मोस्ट प्रोबली बेसिक की। इसके बाद थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, हल्का सा, क्योंकि बेसिक में अभी क्या है कि मुझे बहुत सी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ती हैं। SSC क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ईयर्स क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है, कंपनी किसको कहते हैं, फर्म किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी पड़ रही हैं। तो जैसे ही एक बिल्ड हो जाएंगी ये चीज़ें, तो उसके बाद मोस्ट प्रोबली हम थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं। आप लोगों को चीज़ें समझ आने लग जाएंगी धीरे धीरे। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले लास्ट क्लास का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको एक 5 मिनट का क्विक गो थ्रू ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल एक पर्सन हो सकता है। इंडिविजुअल में क्या था, कोई भी नेचुरल ह्यूमन बींग, हम और आप जैसे लोग पर्सन की डेफिनेशंस में आते थे। उसके बाद पर्सन से मिला के क्या बनती है, HUF बनती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मैंने बताया था कि इनकम टैक्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, हिंदू लॉ इसके लिए सेपरेट बना हुआ है। कोई भी सिंगल मैन मेंबर हो सकता है। एक HUF का मतलब एक इंसान भी HUF क्रिएट कर सकता है। सर हम HUF क्यों क्रिएट करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, समझाया नहीं था बताया था कि टैक्स प्लानिंग होती है। आगे एक सेपरेट चैप्टर होगा HUF के ऊपर, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अपने क्लाइंट का टैक्स बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। HUF में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स थे, दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे कि एक था कि नेचुरल जो प्रोसेस होती है, मतलब बाय बर्थ HUF का पार्ट बनता है। दूसरा ये था कि जो कर्ता होता है, मतलब जो उस फैमिली का पूरा होल सोली रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको मैनेज करता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद वो उसके मेंबर्स बनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में बहुत स्मॉल है, लेकिन इनकम टैक्स में इसको बहुत वाइड कर दिया गया है। कंपनी में इंडियन कंपनी थी, फॉरेन कंपनी थी, CBDT अगर किसी को कंपनी बना देती तो वो कंपनी थी। सर इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी को बायफ्रकेट क्यों किया गया है, ये हमने बताया था कि क्योंकि टैक्स रेट दोनों का डिफरेंस है, सिर्फ इसीलिए मुझे कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी पड़ रही है। पहली बात तो कंपनी कहेंगे किसको, ऑब्वियसली बात है, मैं पार्टनरशिप फर्म को या LLP को कंपनी नहीं कह सकता, तो मुझे ये पता होना चाहिए कंपनी क्या है। और फिर फॉरेन कंपनी और जो इंडियन कंपनी, दोनों के स्लैब रेट में, टैक्स रेट में डिफरेंस है। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब बताया था कि इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी होगी तो वो जी कोई भी इंडियन कंपनी होगी उसको डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे, या कोई भी एनी अदर कंपनी विच हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस चीज़ का, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, डिविडेंड का मतलब बताया था कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अगर आपने उस कंपनी के शेयर ले रखे तो वो आपको उस शेयर में से कुछ हिस्सा देती है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, जो आपको शेयर्स पे मिलता है। डिबेंचर्स अगर आप किसी कंपनी के लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी की डेफिनेशंस कहाँ दी गई है, कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब नहीं है, पहले था कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 में, उनको हम हटा तो नहीं सकते कि ये कंपनी नहीं है, तो उसने यहाँ दोनों को कवर किया गया। कोई भी कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में, वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। फॉरेन कंपनी क्या था, कोई भी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, दैट मीन्स इंडियन कंपनी कोई भी नहीं है, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, फॉरेन कंपनी कहलाएंगी। फॉरेन कंपनी में स्लैब रेट मैंने कितना बताया था, 40% का स्लैब रेट लगता है। इंडियन कंपनी में कितना बताया था, 25% और 30% का स्लैब रेट लगता है। उसके बाद कंपनी के बाद मैंने आपको बताया था फर्म की डेफिनेशन क्या है। फर्म किसको कहते हैं, फर्म मतलब जो पार्टनर्स मिला के बनती हैं, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती लेकिन पार्टनरशिप एक्ट
एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। दो तरह की मैंने फर्म समझाई थी आपको, एक जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है, अगर कोई आपसे माल खरीदता या बेचता है तो आपको शू कर सकते हैं, कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड के अगेंस्ट ही कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल एक डीड बनाई और उसको पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लिया गया किसी भी एडवोकेट के थ्रू एक स्टैम्प पेपर पर, तो वो सिंपल एक पार्टनरशिप फर्म बनती है, आप उसको शू नहीं कर सकते, कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। ये मैंने आपको फर्म के बारे में बताया। जो इंडिविजुअली होते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, और जो कलेक्टिवली वो पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं उसको हम फर्म बोलते हैं। कंपनी में जो बंदे होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं, और होल को कंपनी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बताया था, एओपी। एओपी का मतलब मैंने आपको बताया था, जो भी कलेक्टिवली किसी प्रमोशन के लिए कोई भी एक पर्पज़ के लिए बनाई गई थी और उसमें प्रॉफिट शेयर होता था, जब वो पर्पज़ ख़त्म हो जाएगा तो वो लोग अलग अलग हो जाएंगे, आप अपना काम करने लग जाएंगे, उसको एओपी बोलते थे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल्स भी आता था, कंपनी भी आती थी, पार्टनरशिप फर्म, एक बंदा मिलके, मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया था, एक बंदा मिलके किसी भी कंपनी के साथ, पार्टनरशिप फर्म के साथ, एलएलपी के साथ मिलके काम कर सकता है, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। लेकिन उसके अपोजिट अगर सब इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स बना मिलके काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएगा। रिसीव द इनकम जॉइंटली, जो वो इनकम जॉइंटली रिसीव करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बीओआई। बीओआई में सिंपल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, जो कॉमन पर्पज के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट शेयर करने के लिए उसको एओपी बोलते हैं, और जबकि बीओआई का इसने बताया था कि इंडिविजुअल ओनली, और एओपी में सिर्फ उसका मेंबर्स हो सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वुड बी जस्ट ए बॉडी विदाउट एन इंटेंशन टू गेट टुगेदर, उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती गेट टुगेदर प्रॉफिट अर्न करने, कोई भी सोशल कॉज के लिए भी बीओआई बन सकती है, जैसे कोई भी सोसाइटी अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं उसमें ट्रस्टीज बनते हैं तो वहाँ पे एक बीओआई बन सकती है। लोकल अथॉरिटीज़ मैंने क्या बताया था, जो भी दिल्ली में लेट से एमसीडी है, म्यूनसिपल ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो उनको लोकल अथॉरिटीज़ बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी बॉडी ऑफ पार्ट कमिश्नर एक्सेट्रा, इन सबको लोकल अथॉरिटीज़ बोलते हैं। हम ये पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, किसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, अदर कोई भी जो भी हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब जो बनाया गया, क्रिएट किया गया, नेचर ने नहीं बनाया उसको, आर्टिफिशियल है वो, जैसे यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल या डायटी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएंगी। ये तो होगी पर्सन की डेफिनेशन जो हमने आपको समझाई थी लास्ट टाइम। उसके बाद मैंने आपको ईयर्स बताए थे, ईयर्स में क्या था, ईयर्स हमारे कितने होते हैं, तीन ईयर्स होते हैं, क्या क्या बोलते हैं उनको, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कोई भी एक साल जो 1st of April से लेके 31st March तक होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता, उससे अगला साल जब हम वो ईयर, लेट से मान लीजिए 1st of April 2019 से लेके 31st मार्च 2020 तक एक फाइनेंशियल ईयर था, लेकिन जैसे ही 31st मार्च 2020 के बाद ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा मेरा, उससे अगले को क्या बोलेंगे हम, असेसमेंट ईयर बोलेंगे। कोई भी इनकम मैंने जनरेट की 2019-20 में, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कोई भी इनकम जनरेट की, 31 मार्च 2020 के बाद ही मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा, और जिस साल में उसकी कैलकुलेशन करूंगा उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होती किसकी, प्रीवियस ईयर की, उससे पिछले साल में जो मैंने इनकम कमाई थी, जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इनकम कमाई थी। तो फाइनेंशियल ईयर वो यही कहता कि फाइनेंशियल ईयर मीन्स ए ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल, ये कोई भी 1st of January से नहीं होता, कैलेंडर ईयर नहीं होता है, ये 1st of April से शुरू होता है और खत्म 31st March पे होता है। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर बताया था, प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, जिस साल में इनकम अर्न की गई है, आपको रिसीव हुई नहीं हुई वो एक मैटर नहीं, अर्न की गई है मतलब आपने वो कमा ली, हो सकता है एक्रूड हो। एक्रूड का मतलब क्या होता है सर, एक्रूड का मतलब ये होता है, लेट से आपने इनकम कमा ली है, आपने बिल रेज कर दिया, मैं अपना एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अगर मैंने अपने क्लाइंट को कुछ सर्विस दी और वो सर्विस 1/4/2020 से लेके 31st मार्च 2021 तक, इसके बीच में आती थी, मैंने एक बिल रेज कर दिया,
क्लाइंट को बिल दे दिया मैंने, काम सर्विस उसको प्रोवाइड कर दी, लेकिन उसने मुझे अभी पैसा नहीं दिया है, मतलब मेरे पास पैसा उसका नहीं आया है इसके बीच में। अब जब मेरा ये तो हो गया मेरा प्रीवियस ईयर, जब इससे अगले साल 1/4/21 से जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, अपना रिटर्न फाइल करूंगा, तो क्या मैं वो जो पैसा मेरे पास नहीं आया उसको कंसिडर करूंगा कि नहीं करूंगा? उसको कंसिडर करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्रूड, आपने वो अर्न कर लिया बस आपको रिसीव नहीं हुई है। तो यहां पे उसने वही बोला है कि जो भी इनकम आपकी अर्न हो गई, आपने कमा ली है, चाहे रिसीव हुई नहीं हुई वो एक अलग मैटर है, वो आपके डेटर्स हो गए, आपने उससे पैसा लेना है, रिसीव करना है, वो पैसा आपको कभी भी मिले, लेकिन सरकार ये कहती है वो आपकी असेट्स हो गई है, आप वो बंदा सामने वाला लाइबल है आपको पे करने के लिए, तो आप इसको इस पे हमें इनकम टैक्स दीजिए। फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिस भी साल में इनकम ईयर अर्न की गई है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस का मतलब पिछले वाला होता है। प्रीवियस ईयर उसको कब बोलेंगे? जब तक वो ईयर चल रहा है तब तक उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, लेकिन जैसे ही वो साल खत्म होता है और हम उससे अगले साल में पहुंच जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर, पीछे वाला। प्रीवियस ईयर में जो इनकम मैंने अर्न की उसको असेसमेंट ईयर में हम उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, उस पर टैक्स लगाते हैं। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से पिछले वाला। असेसमेंट ईयर क्या कहता है? द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड टू टैक्स, जिसमें हम उसकी कैलकुलेट करेंगे, असेस करेंगे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। वो कहता है असेसमेंट ईयर 2021 विल कमेंस, कमेंस असेसमेंट ईयर 2021 कब से शुरू होगा? 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। इनकम इज अर्न, जो भी मैंने 19-20 में कोई भी इनकम कमाई होगी 2019-20 में, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, जो भी पैसा मैं अर्न करूंगा वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक, और वहीं तक मुझे अपनी रिटर्न फाइल भी करनी है इनकम टैक्स वाली। तो प्रीवियस ईयर बहुत शॉर्ट में इसको लिखा गया है कि प्रीवियस ईयर, ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज टैक्स्ड इज असेसमेंट ईयर। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है कि कई बार ना हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इनकम। इनकम कब कैलकुलेट करूंगा? जब मेरी पूरे साल की इनकम, फाइनेंशियल ईयर की इनकम मैंने अर्न कर ली, उसके बाद ही तो मैं कैलकुलेट करूंगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी थी, एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद भी थे। अपवाद का मतलब क्या होता है कि ये तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जिस भी साल आप इनकम कैलकुलेट करोगे उससे अगले साल आप टैक्स दोगे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस थी, कुछ ऐसे केसेस थे जहां पे मुझे ड्यूरिंग द ईयर ही टैक्स देना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कब दूंगा? या तो उस बंदे ने बिजनेस बंद कर दिया होगा, या सरकार को लगता होगा कि अब यहां से टैक्स आना मुश्किल है, ये बंदा हो सकता है भाग जाए, या बंदा बिजनेस बंद कर दिया इसने, तो इससे टैक्स अभी ले लो, हैंड टू हैंड ले लो। तो वो कौन से केसेस थे? सबसे पहले वाला केस था कि शिपिंग बिजनेस अगर उसका नॉन रेजिडेंट का, शिपिंग बिजनेस मतलब समुद्री जहाज से अगर कोई बिजनेस करता है, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नहीं, नॉन रेजिडेंट, NR, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं हम अगले या उससे अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस में, कि किसको हम रेजिडेंट बोलेंगे, किसको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, किसको RNOR बोलेंगे। पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो सरकार कहती है कि आप उससे अभी टैक्स ले लो, हो सकता है बाद में आए ना आए। AOP BOI फॉर्म पर्टिकुलर इवेंट, किसी इवेंट के लिए AOP BOI या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्रिएट की गई थी, अगर वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट की गई थी, तो जैसे ही वो चीज़ खत्म होती है तुरंत उससे टैक्स ले लो, उसका नहीं भरोसा वो टैक्स देगा कि नहीं देगा, साल खत्म होने तक का मैं वेट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो इवेंट खत्म हो चुका है, जिस पर्पस के लिए वो क्रिएट की गई थी वो खत्म हो चुका है। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, हो सकता है कोई टैक्स इवेजन कर रहा हो, अगर AO को लगता है कि टैक्स इवेजन होगा तो उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लेके टैक्स उससे रिकवर कर लो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसी साल के बीच में उससे टैक्स ले लो, साल खत्म होने तक का वेट मत करो। अगर किसी ने बिजनेस बंद कर दिया गया है, अगर AO को लगता है इस बंदे ने बिजनेस बंद कर दिया, लेट से विजय माल्या का हम एग्जाम्पल ले लेते, उसका शराब का बिजनेस था या फिर एयरलाइंस का बिजनेस था, अब उसने बिजनेस बीच में बंद कर दिया, किंगफिशर जो एयरलाइंस थी वो बिजनेस साल के बीच में बंद हो गया, तो अब AO को लगता है कि हो सकता है ये लंदन भाग जाए, तो उससे पहले ही उससे अपना रिकवर कर लो। या फिर अगर उनको नहीं लगता
कि ये भागेगा या नहीं भागेगा, जेन्युइन बंदा है। अमिताभ बच्चन की जैसे एक कंपनी थी एबी प्राइवेट लिमिटेड करके, वो दिवालिया हो गया था तो वो बीच में बंद करनी पड़ गई थी, लेकिन वहाँ पे एओ ने क्या किया, इसका वेट कर दिया क्योंकि बंदा जेन्युइन था, क्रेडिट स्कोर उसका अच्छा था, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी थी, तो उन्होंने साल खत्म होने तक का वेट किया अमिताभ बच्चन वाले केस में। लेकिन वही विजय माल्या वाले केस में हालांकि वो भाग गया, लेकिन एओ चाहता तो उसका बीच में भी कर सकता था असेसमेंट कि जी आपका बिजनेस बंद हो गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब आप भाग सकते हो तो हमें टैक्स दे जाओ। अब यही पे एओ की गलती हो गई है, अब उसने टैक्स लिया नहीं, वो बंदा भाग गया बिजनेस ठप करके, बंद करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले सेक्शंस नोटिफिकेशन, जस्ट क्या होता है, चलिए जी अब हम अपनी रेगुलर क्लास शुरू करते हैं। अभी तक सिर्फ हमने आपको रिवाइज कराया कि लास्ट क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था। देखिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिटेंशन ना आपकी अगले दिन 80% रह जाती है, उससे अगले दिन आपकी वो 70% रह जाती है, तो अब तो आपको एक हफ्ता हो चुका होगा। हालांकि अगर ये आप गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पे ये क्लासेस देख रहे हैं तो आप हो सकता है डेली ये क्लासेस लेते हो, लेकिन अगर फिर भी आपने कल ये क्लास देखी होगी तो आपकी 80% की रिटेंशन होगी। इसलिए मैं सारी चीज़ें अगली क्लास में रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपकी रिटेंशन, आपकी मेमोरी में वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक बनी रहे। चलिए जी आज हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या है, पार्ट्स। पार्ट्स में क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स को भी पार्ट्स में बांटा गया है। मतलब ये कि इनकम टैक्स अकेला नहीं है किसी भी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। बहुत सी चीज़ों का मतलब क्या है, अगर बाय चांस मान लीजिए आपने कोई चीज़ कहीं पे पढ़ी, इनकम टैक्स में कोई चीज़ पढ़ी, कोई सेक्शन पढ़ा, लेकिन उस सेक्शन में वो सारी बातें नहीं लिखी गई होंगी, उसके लिए हो सकता है आपको रूल्स पढ़ने पड़े। सर रूल्स किस बला का नाम है। अब देखिए इन्होंने इनकम टैक्स तो बना दिया लेकिन इनकम टैक्स के साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर मैं इनकम टैक्स में ही सब कुछ लिख दूंगा, लेट से मान लीजिए ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, अब इसमें सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लोज सब क्लोज इन्होंने बना दिए, लेकिन अगर इसमें ही सब कुछ डाल दिया जाए तो ये इतना वास्ट हो जाएगा, इतना लेंथी हो जाएगा कि आप लोग इसको पढ़ नहीं पाओगे, इतने बड़े बड़े सेक्शंस हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसका एक सबोर्डिनेट निकाला कि चलो जी काम करते हैं, इसके साथ में इसके रूल्स भी बना देते हैं। रूल्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट आप सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट चेक करोगे, इनकम टैक्स एक्ट आया था तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी TDS, कोई भी इनकम टैक्स, कोई भी स्लैब रेट, कोई भी कैपिटल गेन, PGBP, कुछ भी देखना है तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स एक्ट चेक करोगे कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपको डिटेल में उसको जानना है कि और इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ, और क्या क्या प्रोविजन आते हैं, तो उसके बाद इन्होंने रूल्स भी बनाए, रूल्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रूल्स में क्या लिखा गया है, रूल्स में इसी को डिटेल में लिखा गया होगा, इसी को डिटेल्ड में लिखा गया होगा, डिटेल में लिखा होगा, प्लस कुछ अदर कंडीशंस भी लगाई गई होंगी। अब सर बाय चांस मान लीजिए, अब आप ये कहोगे हो सकता है कि जी इसमें लिखा गया हो XYZ और इसमें लिखा गया हो किसी बात को लेके ABC, तो मैं किसको मानूं। सेम चीज पे आपको बहुत बार हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट कुछ कहता हो, इनकम टैक्स रूल्स कुछ कहते हो। हमेशा ध्यान रखना एक्ट प्रिवेल रूल्स, मतलब जो एक्ट में लिखा होगा वही सब कुछ होगा, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, वही वाली बात यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि एक्ट में जो भी बात लिखी जाएगी
वही मेरी फाइनल होगी, वही मैं फाइनल मान लूंगा। रूल्स में उसको मैं सेकेंडरी मानूंगा। फिर सर रूल्स क्यों लेके आए? रूल्स सिर्फ और सिर्फ एडिशंस के लिए लेके आए। अगर एडिशंस में कुछ कंडीशंस मैंने डालनी है तो मैं रूल्स में देखूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली ये समझाऊंगा, ये दिखाऊंगा रूल्स में क्या लिखा जाता है और एक्ट में क्या लिखा जाता है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि कोई दो चीज़ें होती हैं, एक इनकम टैक्स एक्ट होता है, एक इनकम टैक्स रूल्स होते हैं। अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट आता है, अगर एक ही सेक्शन पे, लेट्स से मान लीजिए कोई सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का कुछ कहता है और रूल्स में कुछ लिखा हुआ है, दोनों में लड़ाई हो जाती है, दोनों में मतभेद आ जाता है, तो इस पे प्रिवेल कौन करेगा? एक्ट प्रिवेल करेगा। मतलब सर हम एक्ट की बात को ज्यादा तवज्जो देंगे, ना कि रूल्स की बात को ज्यादा तवज्जो देंगे। अब दूसरी ये बात है कि ये मैं आपको डे वन से पढ़ाता आ रहा हूं, ये आज लास्ट बार शायद मैं ये बात कहूंगा इस क्लास में, कि इनकम टैक्स जब बनाया गया तो इसमें कोई भी बात मैं कहीं भी नहीं लिख सकता था, इसको स्पेसिफिकली मुझे कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करना पड़ता। अगर लेट से मान लीजिए मैं कोई बात कैपिटल गेन की यहां लिख देता, कोई कैपिटल गेन की बात मैं यहां लिख देता, कोई कैपिटल गेन की बात मैं यहां लिख देता, कोई कैपिटल गेन की बात मैं यहां लिख देता, तो क्या होता? जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते या कोई भी अपनी असेट्स मशीनरी वगैरह सेल करते तो आप देखते कि भाई कैपिटल गेन निकलेगा कैसे, इस पे मैं कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करूं, सॉरी। तो क्या होता कि आप इनकम टैक्स एक्ट उठाते और पूरा इनकम टैक्स इधर उधर से आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता, तो दिक्कत हो जाती है आपके लिए। अब आपको तो सिर्फ कैपिटल गेन पढ़ना है ना, आपको तो पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको यह होना चाहिए कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड बातें कहाँ लिखी गई हैं, मुझे पूरा एक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप ये कहोगे कि जी मैं सैलरी वाला बंदा हूँ ही नहीं, तो मुझे सैलरी क्यों पढ़ाया जा रहा है, या मैं सैलरी क्यों पढ़ूँ इनकम टैक्स से उठा के, मैं तो सिर्फ पीजीबीपी पढ़ूंगा, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मुझे तो सिर्फ बिजनेस की बातें करनी है, तो मुझे तो बिजनेस वाले सेक्शन बताओ ना, बिजनेस वाली बातें कहाँ लिखी गई हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इनकम टैक्स एक्ट को सेक्शंस में बांट दिया। सेक्शंस का मतलब आपने कई बार अदालतों में सुना होगा, फला फला सेक्शन में ये बात लिखी गई है, फला फला धारा ये बात, हिंदी में उसको धारा बोलते, धारा 320, धारा 340 जो भी लगती है, वो जो धारा लगती है वो इंडियन पैनल कोड की लगती है, जो आप फिल्मों में देखते हैं वो इंडियन पैनल कोड की धारा होती है, वो किसी मुजरिम को सजा देने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शंस हैं, यहाँ पे जो धाराएं हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट की हैं। कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, किस सेक्शन में क्या लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे सब के सब, सारे के सारे सेक्शंस में सेग्रीगेट किया गया है। और ये बात मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा था कि पांचों के पांचों हेड, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पांच हेड समझाए थे कि कोई भी इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें पांच हेड में देखना पड़ेगा कि वो इनकम मेरी कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे फॉल करती है। हाँ जी, आपको पता है कौन से हेड में पांच हेड बताए थे, याद है कौन कौन से बताए थे, जरा बताएंगे? जी जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था उस दिन फर्स्ट डे वाली क्लास में कि कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हेड्स बनाए गए हैं। सिर्फ सिर्फ मैं पांच जगह अपनी इनकम को लेके जा सकता हूँ, इस पांच से बाहर आपको जाना ही नहीं है। अगर आपने कोई पैसा अर्न किया है तो यकीन मानिए इस पांच में ही फॉल करेगा। सेक्शंस की तरह इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, बांट दिया, या तो आपकी इनकम सैलरी से होगी, या हाउस प्रॉपर्टी से होगी, या बिजनेस से होगी, या कैपिटल गेन से होगी, या फिर अगर चारों में कहीं नहीं आ रही तो उसको उठा के अदर सोर्सेज में आप डाल दीजिए। अब आपका एक डाउट आएगा, सर मान लीजिए मैंने अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू किया, ठीक है जी, अब गलती से वो मेरी अदर सोर्सेज में मैंने डाल दी जबकि वो पीजीबीपी की इनकम थी, या फिर वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, वो उठा के मैंने कैपिटल गेन में डाल दी, मुझे नहीं पता था। तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि ये गलती
कोई गलती नहीं मानी जाती इनकम टैक्स में, आपने वो चीज़ शो करनी पड़ेगी अपने रिटर्न में। गलत हेड में डालना, गलत रिटर्न फाइल करना कोई जुर्म नहीं है इनकम टैक्स में, कोई गलती नहीं है वो। अगर आपको बाद में पता चलता है आप उसको रिवाइज़ कर दीजिए, अगर नहीं भी रिवाइज़ किया तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आपने रिटर्न गलत कर दी, लेट से मान लीजिए ITR 1 फाइल करनी थी और आपने ITR 4 फाइल कर दी, या ITR 5 फाइल कर दी, या ITR 2 फाइल कर दी, या फिर आपने गलत हेड में इनकम दिखा दी, आपकी सैलरी की इनकम थी आपने PGBP में शो कर दी, आपने सिर्फ वो शो करना है इनकम टैक्स में, तो वो गलती नहीं मानी जाती। लेकिन एज ए प्रोफेशनल, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट, एज ए सीनियर अकाउंटेंट, आपकी ये लाइबिलिटी बनती कि आप क्लाइंट का काम गलत ना करें। वो तब तक थी तब तक आपको नहीं पता था, ये क्लासे लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ डलेगी, किस बंदे के लिए कौन सी ITR है, कौन सी हम फाइल करेंगे, तो वो गलती के चांसेस तो है ही नहीं। बट अगर बाई चांस, देखिए सब ह्यूमन बीइंग है, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। अगर बाई चांस फिर भी गलती हो जाती है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। गलत हेड में इनकम शो करना और गलत ITR में इनकम शो करना कोई गलत बात नहीं, कोई पेनल्टी, कोई उस पर चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 1517 लिखा गया है, यहाँ पे जो 2027 लिखा गया है या 28-44D भी लिखा गया है, ये सारे के सारे सेक्शंस हैं 15 से 17 जो सैलरी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, सैलरी चैप्टर जो पढ़ेंगे। जो भी बंदा कहीं पे जॉब करता है, लेट्स आप कोटेक बैंक में काम करते हैं या फिर आप एयरटेल में आप काम करते हैं, तो आपकी जो सैलरी आती है जिस भी एम्प्लॉयर के आप अंडर रजिस्टर्ड हैं, तो वो आपकी सैलरी हेड में कैलकुलेट होगी और उसके लिए आपको सेक्शंस पढ़ने हैं 15 से 17, 15-17। उसके बाद अगर बाई चांस मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं, वो आपने रेंट पे दे रखे हैं, किराए पे दे रखे हैं, तो आपको उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस पढ़ने हैं 22-27। उसके बाद अगर आपका बिजनेस है, आप सिर्फ ये कहते हैं सर मेरा तो सिंपल बिजनेस है, मेरे हाउस प्रॉपर्टी नहीं है ना मेरी सैलरी की इनकम है, तो आपको 15 से 17 या 22 से 27, 22-27 ये चीज़ें पढ़नी ही नहीं है। ये आप क्यों पढ़ोगे, आपके लिए है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्शंस पढ़ोगे, 28-44DB, ये वाले सेक्शंस पढ़िए, 28 से लेके 44DB तक इनकम टैक्स एक्ट के, कैपिटल गेन के 45-55A ये वाले सेक्शंस पढ़ने, कैपिटल ए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IUFS 56-59 ये वाले सेक्शंस आप पढ़ेंगे। सर हमारी क्लासेस चलेंगी 6 महीने और सेक्शंस कितने हुए, 15 से लेके 59, क्या सिर्फ इतने ही सेक्शन है इनकम टैक्स में या और भी सेक्शन है? और भी सेक्शंस है, 227-228 बहुत सेक्शंस है, सेक्शंस आगे और भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन वो सारे सेक्शंस आपके कहीं रिटर्न के हैं, कोई असेसमेंट के हैं, कोई पेनल्टी के हैं, कोई टैक्स के हैं, कोई किसी चीज़ के हैं, तो वो सारे सेक्शंस भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ये सिर्फ कौन से हैं, आपकी इनकम कैलकुलेट करने के, कि आपकी इनकम कहाँ कंसीडर होगी और वो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। सैलरी की इनकम है, बाई चांस मान लीजिए आपको सैलरी मिल ही रही थी, अब एक ढोलकिया जी हैं वो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, हीरे का बिजनेस करते हैं गुजरात में, अब वो क्या करते हैं हर साल अपने एम्प्लॉई को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, 1500 समथिंग उनके एम्प्लॉई हैं, तो वो अपने एम्प्लॉई को कभी गाड़ी दे देते हैं, और ये सच बात है, कभी उनको महंगी घड़ी दे देते हैं, कभी मकान दे देते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे बांटते रहते हैं, तो उनका कहाँ कैलकुलेट होगा, सैलरी में ही कैलकुलेट होगा। लेकिन वो उनको बोलते हैं प्रिक्विजिट, जो आपको कैश में नहीं मिली, कुछ काइंड में मिली है, कुछ वस्तु मिली है, कुछ थिंग मिली है आपको, घड़ी मिली है, गाड़ी मिली है, बंगला मिला, कुछ भी मिला हो, तो उसके लिए आपको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सैलरी में जाएगी वो चीज़ें, क्योंकि आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉई काम करते थे ढोलकिया जी के यहाँ पे। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दिया। तो मेरा यहाँ पे पढ़ाने का मेन पर्पज़ क्या था कि हम यहाँ सेक्शन की बात कर रहे थे कि 15-17 सैलरी, 22-27 हाउस प्रॉपर्टी, 28-44 DB,
PGBP 45 to 55A, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 to 59, ये वाले सेक्शंस थे। सर क्या हमें सारे सेक्शंस मुजबानी याद होने चाहिए, हमें लर्न होने चाहिए? देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको याद भी नहीं होते, अगर आप CA का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम में अपने सेक्शंस कोट करते हैं तो आपको वो सोने पे सुहागा वाली बात होती है, वहाँ आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग पे भी, जो पेपर चेक कर रहा है, पेपर चेकर है, उसके दिमाग पे भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि जी बंदे को सेक्शन आते हैं। सेम यही ट्रिक क्लाइंट के साथ भी होती है। अगर आपका क्लाइंट है, आप एज ए CA एज ए अकाउंटेंट मार्केट में काम करते हैं, और अगर आप उनको सेक्शंस के साथ बताते हैं कि जी सेक्शन में ये लिखा गया है, आपका केस यहाँ पे फॉल करेगा सैलरी में, PGBP में, या फिर आपकी ये रिटर्न जाएगी, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, सामने वाले को भी पता चलता है कि हाँ जी बंदे को कुछ नॉलेज है। तो सेक्शंस याद कीजिए, रट्टे मारिए नहीं मारिए वो आपकी कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका लाइफ में प्लस पॉइंट जरूर मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा याद कर लीजिए, ड्यूरिंग द क्लास सेक्शन मैं याद करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी रही, आफ्टर क्लास जैसे जैसे आप उसको यूज़ करेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ें छपती चली जाएंगी, याद होता चला जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शंस की हमने बात बता दी, उसके बाद हमारे कुछ सब सेक्शंस भी होते हैं, कुछ क्लॉज भी होते हैं। अब क्या था कि जैसे जैसे इनकम टैक्स बिल्ड होता गया, तो यहाँ पे इतना बड़ा वास्ट हो गया कि मैंने एक्ट भी बना दिया, मैंने रूल्स भी बना दिया, आज मैंने कुछ चीज़ बना दी। अब देखिए जो मेन इनकम टैक्स एक्ट कहा जाता है वो किस वजह से इतना वास्ट हो गया, इतना डीप हो गया, मेनली इसमें प्रैक्टिकली अगर आप बात करोगे, पीछे जाके कहीं भी किसी भी सीनियर से बात करोगे, कोई भी सीनियर अगर आपको गाइड करेगा तो वो ये कहेगा सिर्फ और सिर्फ धीरू भाई अंबानी की वजह से इनकम टैक्स को इतना वास्ट बनाया गया है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा था इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन जैसे इन्होंने इनकम टैक्स बनाया, सरकार ने कहा जी हम आपसे टैक्स लेंगे, धीरू भाई अंबानी कहते हैं हम आपको टैक्स देंगे ही नहीं, आप कुछ कर लो, लूप होल ऐसे निकाल दिए उन्होंने, वो सेक्शंस कुछ कहता था वो उसकी काट ले आते थे, मतलब उसको काट देते थे, कुछ ना कुछ ऐसी चालाकी से करते थे, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि ये बियर एक्ट होता है, ये एज ए पब्लिक एट लार्ज बनाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को रख के ध्यान में इनकम टैक्स, कोई भी हिंदुस्तान का है कहीं का भी एक्ट, किसी भी एक पर्सन को दिमाग में रख के नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि हर बंदे की सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं एक्ट एज ए पब्लिक इन लार्ज के लिए बनाता हूँ, ना कि कोई एक बंदे के लिए एक्ट बनाता हूँ। तो एक्ट को बहुत एक जनरल लैंग्वेज लिखी जाती है, बहुत एक सिंपल लैंग्वेज लिखी जाती है कि जी इस केस में आपको इतना टैक्स देना है, इस हिसाब से देना। तो धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, इसी बात का फायदा उठा के बियर एक्ट के लूपहोल्स जो होते थे वो निकाल लेते, क्योंकि धीरू भाई अंबानी बहुत तेज दिमाग के आदमी थे, तो उनकी वजह से ही कहा जाता कि इनकम टैक्स इतना वास्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, धीरू भाई अंबानी कहते थे मैं टैक्स दूंगा ही नहीं, मैं कैसे न कैसे बच के निकल जाऊंगा, लेकिन ये खास बात थी वो टैक्स इवेजन नहीं करते थे, टैक्स प्लानिंग करते थे, वो जो उसमें बात लिखी गई थी इनकम टैक्स में उसको मद्देनजर रखते हुए, उसके दायरे में रहते हुए काम करते थे। तब सरकार को पता चलता था कि जी हमसे ये चीज लिखनी रह गई, ऐसा तो हजारों व्यापारी करते होंगे, हजारों बिजनेसमैन कर देंगे, फिर वो उस चीज को ऐड करते थे, अमेंड करते थे, इस चीज को अमेंडमेंट भी बोलते हैं, चेंजेस। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट हर साल चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ या तो उनको छूट देनी होती है या फिर उनको पता चलता रहता है कि जी पिछली बार ये कमी रह गई थी, क्योंकि अब उनको पता कैसे चलेगा, अब उनको पता भी इंसानों के थ्रू ही चलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू पता चलेगा। कैसे चलेगा जी, लेट से कोई सेक्शन ले आए, मैं कहता हूँ एक सेक्शन हमारे यहाँ है छूट दी जाती है 12,500 की, वो कहते हैं 5,00,000 तक की अगर कोई भी इनकम है तो उस पर हम एक काम करते हैं, हम छूट दे देते हैं आपको, आपको टैक्स देना ही नहीं। वैसे तो स्लैब 2,50,000 तक का स्लैब रेट,
हिंदुस्तान में कहा जाता है जिसकी भी इनकम 2.5 लाख तक की है तो उसको टैक्स देना ही नहीं, उसको रिटर्न भी नहीं फाइल करनी, आप फाइल मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर होता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं इसको, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाता है, एग्जेम्पशन मतलब छूट, इस 2.5 लाख से ऊपर अगर आप जाता है तो आपको सरकार को टैक्स देना, वो कैलकुलेट कीजिए। अब जैसे ही मैं टैक्स कैलकुलेट करने गया, मान लो मेरी इनकम थी 3 लाख और मान लो इस पे मेरा टैक्स आ गया 1000 रुपये, तो सरकार ने क्या कहा कि आप दो कंडीशन लगा लो कि आपका टैक्स 12500 से कम आना चाहिए या 12500 तक आना चाहिए और आपकी इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, तो आपको टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख तक तो छूट है ही है, 5 लाख तक आपको छूट दे दी इनडायरेक्टली। तो अब यहां पे क्या हुआ, देखिए बहुत एक दिक्कत है ये मार्केट में, सरकार को ये बात पता चल रही हो या नहीं चल रही हो। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है, अगर उससे पूछा जाए कि सर कितना टैक्स दोगे, हम एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट कर देते क्लाइंट का, सर आपका इतना टैक्स बन रहा है, फिर वो कहते हैं कि जी कुछ टैक्स प्लानिंग करो, कुछ इनकम टैक्स में लूप होल देखो और हमारा कुछ टैक्स सेव करो। हमने उनका टैक्स सेव कर दिया, अब क्या होता है कि बंदे को लोन भी लेना होता है बैंक में जाके, अब टैक्स उसको देना नहीं है, लोन उसको बड़ा चाहिए, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। बैंक भी उसी को लोन देगा जिसने ज्यादा टैक्स दिया होगा, जो ज्यादा टैक्स कौन देगा, जिसकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, बैंक को पता है कि ये मेरा लोन वापस कर सकता है आसानी से। तो यहां पे क्या हुआ कि जब हमारा क्लाइंट हमें कहता है कि हमारा टैक्स कैलकुलेट कर दो, हम उसको सिंपल टैक्स कैलकुलेट कर देते। अब वो कहता है कुछ ना टैक्स प्लानिंग करके मेरा टैक्स कम कर दो। लेट से मान लीजिए मैंने उसका टैक्स 1000 रुपये से कम कैलकुलेट करके उसका कर दिया 250 रुपये, मैंने कहा जी कोई बात नहीं आप 250 रुपये दे दो, लेकिन 250 रुपये का टैक्स के हिसाब से उसकी इनकम बहुत कम हो गई। अगर मैंने उसका टैक्स कम कर दिया तो ऑब्वियसली बात है उसकी इनकम भी तो कम हो जाएगी। जैसे ही उसका टैक्स कम हुआ उसकी इनकम कम हुई, जैसे ही उसकी इनकम कम हुई उसका लोन का वैल्यू कम हो गया। बैंक में गया, बैंक वाले ने कहा जी आपने 250 रुपये टैक्स दिया था, मान लीजिए मैं आपको 1 लाख रुपये का लोन दे सकता हूं, बंदे को लोन चाहिए था 5 लाख का। तो फिर क्लाइंट हमारे पास आया, कहता जी नहीं 250 रुपये में बात नहीं बन रही, आप कहीं बीच में देखो थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे देता हूं मैं। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, आप एक काम करो 750 रुपये टैक्स दे दो, हम आपका 750 रुपये टैक्स बना देते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो रही है, कुछ डिडक्शन नहीं क्लेम करते हैं हम, कुछ खर्चे कम कर देते हैं, हम खर्चे डालते ही नहीं, हम क्लेम नहीं करते खर्चे, आपका टैक्स ज़्यादा आ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी खर्चे कम करते ही, ठीक है जी। अब उसका बढ़ तो गया यहाँ पे, लेकिन सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है 12500 तक तो छूट है, हमें चाहिए ही नहीं टैक्स 12500 तक। अब कोई बंदा कहता नहीं जी 750 रुपये ले लो मुझसे, मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ, इस देश को बिल्ड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, इस देश को चलाने में मैं 750 रुपये देना चाहता हूँ, लेकिन सरकार ये कहती है 12500 तक तो हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। और हर कोई छोटा धंधे वाला ये तो कहता ही कहता कोई बात नहीं जी 2000-4000 रुपये मैं टैक्स दे दूंगा, ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कोविड है, कुछ भी सिचुएशन है, ज़्यादा टैक्स हम भी नहीं दे सकते क्योंकि GST भी पे करते हैं, इनकम टैक्स भी पे करें, तो 2000-5000-7000-10000 तक तो हर कोई देना चाहता है, लेकिन सरकार कहती 12500 तक हम दें। इतना रेवेन्यू लॉस हुआ इसके ऊपर, 12500 वाली चीज़ के ऊपर बहुत रेवेन्यू लॉस हुआ। तो ये एक लूप होल हो गया कि 12500 तक आप टैक्स में, टैक्स जो इनकम टैक्स है उसमें कमी है इस चीज़ की, अगर इसको हटा दिया जाए तो हर कोई बंदा ये कहेगा 2000-5000-7000 रुपये दे दूंगा, अब या तो 12500 दो या दो ही मत, तो ये टैक्स में कमी हो गई। अब सरकार को अगर कुछ करना होगा इस 12500 को, वो कहते कोई बात नहीं आप एक काम करो 2500 ले आते इसको वापस, पहले ये 2500 थी बाद में 12500 हुई इसकी, तो वो कहते हैं जी कोई बात नहीं अब 12500 को 2500 दे दो। अब जो बंदे थे वो कहते थे 5000 ले लो जी, 7000 ले लो जी, वो भी खुश हो जाएंगे और ये 5000-7000 रुपया सरकार के पास चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कमी थी अगर सरकार को इसको चेंज करना होगा तो इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना होगा, संशोधन जिसको बोलते, चेंज करना होगा, इसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स हर साल चेंज होता रहता है, आपने सुना होगा कि सर इनकम टैक्स इस साल भी चेंज होगा, इस साल भी चेंज होगा, तो इसलिए चेंज होता है, सरकार को बाद में पता चलता है कि जी ये एक्ट बनाने में हमसे ये कमी रह गई,
ये छूट गया हमसे, उसको बाद में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसको अमेंडमेंट बोलते हैं। चलिए जी, अब हम अपना थोड़ा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ये टेक्स्ट है क्या। हाँ जी, 5 लाख एक रुपया भी इनकम है तो आपको 12,500 रुपये देने, और अगर आपकी 5 लाख है मतलब एक रुपया कम है तो आपको कुछ नहीं देना। 5 लाख तो कुछ नहीं देना, 5 लाख एक रुपया भी हो गया, 5 लाख 10 रुपये भी हो गए तो तुरंत आपको 12,500 रुपये देने। तो सब यही कहेंगे जी थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग करके हमारा तो 5 लाख ही कर दो। लेट से मान लो जो किसी का 5 लाख 4,000 रुपये बन रहा था तो वो ही कहेगा 4,000 को हमारा थोड़ा सा कम कर दो प्रॉफिट को टैक्स प्लानिंग करके कुछ करके, और मेरे 5 लाख तक ले आओ, मैं क्यों दूँ 12,500। उसका जो वो देना चाहता वो 4-5 हज़ार रुपये ही देना चाहता था। तो ऐसा मार्केट में चलता है। हाँ जी, हाँ जी, 2-4-5 हज़ार तो ये एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है, इसलिए रिवेन्यू भी इंडियन गवर्नमेंट का डिक्रीज हुआ इस चीज से, क्योंकि 5-7 हज़ार तो हर कोई व्यापारी खुशी खुशी दे देगा, लेकिन वो कहेगा 12,500-15,000 मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा, मैं तो देना ही नहीं चाहता, नहीं देना चाहते तो वो रिटर्न कम की भरवा देता है या खुद भर देता है, तो ये सरकार को अल्टीमेटली लॉस है। इस चीज़ को चेंज उनको करना पड़ेगा, आज नहीं तो वो कल जरूर चेंज करेंगे। हम एज ए सीए सिर्फ सरकार को गाइड कर सकते कि ये आपसे कमी रह गई है, मार्केट में ये प्रैक्टिस चलती है, आप इस चीज़ को ध्यान में रख के इनकम टैक्स एक्ट बनाइए या अमेंडमेंट कीजिए। चलिए जी, इनकम टैक्स एक्ट आया कब था, 1 अप्रैल 1962। इनकम टैक्स एक्ट है 1961, बन गया था 1961 में, लेकिन इसको एग्जिस्टेंस में 1 अप्रैल 1962 में लेके आया गया था। मैंने आपको बताया था कि 298 सेक्शंस हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 15 से लेके 59 तक नहीं था, वो सिर्फ 5 हेड थे, तो यहाँ 298 सेक्शंस हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। सर, ये शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स इनकम टैक्स एक्ट एज ए होल होता है, उसके अंदर शेड्यूल्स होते हैं, 14 शेड्यूल हैं, और शेड्यूल के अंदर सेक्शन होते हैं। तो 14 शेड्यूल बनाए गए इनकम टैक्स में, उनके अंदर सेक्शंस होते हैं। शेड्यूल को तो आप याद ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शंस आपको याद रहने चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए 14 शेड्यूल्स हैं, बस याद रखने के लिए रख लीजिए। ए सेक्शन मे हैव सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज। सर, ये क्या चीजें आ गई अब? देखिए, जब सेक्शन लिखे गए बाद में, जैसे मैंने बताया धीरू भाई अंबानी बहुत चालाकी से कुछ ना कुछ चीजें ले आते, तो उन्होंने सब सेक्शन, अब उस सेक्शन जो लिखा गया उसको हम काट नहीं सकते, जो लिख दिया वो लिख दिया, या तो उसको पूरा ही डिलीट कर दो। देखिए, उसको हमें डिलीट नहीं करना। अब ये 12,500 वाली बात थी, अब इस 12,500 को मुझे 2,500 करना है, तो मैं इस 12,500 की बजाय 2,500 कर दूंगा, या फिर मुझे लिखना है कि भाई 80 ईयर्स से अबव वालों के लिए 2,500 है, 80 साल से कम है उनके लिए 12,500 ही है। तो ये बात उस सेक्शंस को मैं अब चेंज नहीं करूंगा, उसमें सब सेक्शन ले आऊंगा कि जी ऊपर जो बात लिखी गई है वो सही है, लेकिन इनके लिए ये है, सब सेक्शन में ये बात लिखी गई। तो सेक्शंस सब सेक्शन में उसी को एक्सटेंड किया गया है, उसी चीज को, ठीक है, क्लोज और सब क्लोज। देखिए, सेक्शन सब सेक्शन एक होता है और क्लोज सब क्लोज एक होता है। अब क्या है कि लेट से मैं कोई चीज पढ़ रहा था, अगर मुझे जाना है, मैं खड़ा हूं यहां पे, कोई भी एक प्लेस ले लेते, दिल्ली ले लेते हैं, मुझे दिल्ली से जाना बेंगलोर, या फिर मुझे दिल्ली से जाना है मुंबई। अगर मुझे दिल्ली से बेंगलोर जाना है तो डायरेक्ट मैं एक फ्लाइट में जा सकता हूं, लेकिन मुझे दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो डायरेक्ट मैं एक फ्लाइट में या ट्रेन में जा सकता हूं। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बेंगलोर अलग रूट पे पड़ता है, मुंबई अलग रूट पे पड़ता है। बट अगर मुझे साईं बाबा मंदिर जाना है शिरडी में, तो मुंबई होते हुए भी मैं जा सकता हूँ, मैं जा डायरेक्ट भी सकता हूँ,
लेकिन मुंबई होते हुए भी जा सकता हूँ, लेकिन बेंगलोर का और साई बाबा मंदिर का, शिरडी वाले साई बाबा मंदिर का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो यही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई कि अगर बाई चांस मान लीजिए, अब देखिए पहुँचना मुझे भी दिल्ली से साई बाबा था या बेंगलोर था, और इनकम टैक्स एक्ट में भी हमें कहीं ना कहीं पहुँचना होता है कि मुझे सैलरी की इनकम कैलकुलेट करनी, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी, तो पहुंचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर वो आपस में कोरलेट है, मतलब ये मैं इसको एक उसमें पढ़ सकता हूँ कि जी मैं मुंबई भी जा सकता हूँ, फिर साई बाबा जा सकता हूँ शिरडी, या फिर डायरेक्ट शिरडी भी जा सकता हूँ, लेकिन बेंगलोर एकदम अलग थलग है। अगर इनका आपस में रिलेशन है तो इनको मैं सेक्शंस बोलता हूँ, ये मेरे सेक्शंस हो गए। अगर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो इसको मैं क्लॉज बोलूँगा। अगर आपस में उनका कुछ रिलेशन है, मैं अभी बताऊंगा आपको, एग्जांपल देके समझाऊंगा, अगर उनका आपस में कोई रिलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्शंस, सब सेक्शंस बोलेंगे। अगर उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई दूर दूर तक एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, कोई रिलेशन नहीं दोनों का, तो उनको क्लोज या सब क्लोज बोलेंगे। और अगर वो कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगे, या एक चीज को मैं दूसरी चीज के बिना देख ही नहीं सकता, तो उनको मैं सेक्शन या सब सेक्शन बोलूंगा। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी एक्ट बना इनकम टैक्स इंडिया में, तो उसका सेक्शन 2 जो है वो किसकी बात करता है, डेफिनेशंस की बात करता है। कि हर एक्ट का, इंडिया में कोई भी एक्ट बना जो सेक्शन 1 होगा, वो हमेशा क्या बोलेगा कि इस एक्ट का क्या नाम है, किस साल में आया था, और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो ये सेक्शन 1 बोलता है इनकम टैक्स एक्ट का। सेक्शन 2 क्या बोलता है, उसकी डेफिनेशंस बताता है कि इस एक्ट में आप कुछ भी पढ़ेंगे, इस शब्द का मतलब यहाँ पे ये होगा। पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको सेक्शन 2 में पढ़ाई थी, कंपनी किसको बोलते हैं, HUF किसको बोलते हैं, ये सेक्शन 2 में लिखा गया था कि अगर आप इस एक्ट में कंपनी पढ़े कहीं पे शब्द कंपनी, तो वो सेक्शन 2 में आके एक बार देख लेना। कहीं भी कोई चीज़ आपको इनकम टैक्स में समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, या फिर इस चीज़ का क्या मतलब है यहाँ पे, तो उसको मैं कहाँ देखूँगा, सेक्शन 2 में आके देख लूँगा कि इस चीज़ का ये मतलब था। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस लिखी होती बस, और सेक्शन 2 में आपको कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ डेफिनेशंस लिखी होंगी। तो अब डेफिनेशंस में अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको किसकी पढ़ाई, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई, मैंने आपको इनकम की डेफिनेशन पढ़ाई, मैंने आपको ईयर की डेफिनेशन पढ़ाई। अब पर्सन का इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, किस किस बंदे को मैं कंपनी कहूंगा, किसको LLP कहूंगा, किसको पार्टनरशिप कहूंगा, कहूंगा किसको, इस बात का मेरी इनकम से कोई नाता नहीं है। इनकम मैं पहले ये तो देख लूं कि भाई मैं पर्सन इसको कहूंगा, कंपनी इसको कहूंगा, इंडिविजुअल इसको कहूंगा, तभी तो मैं आगे जाके उसकी इनकम कैलकुलेट करूंगा। इन दोनों का कहने और कैलकुलेट करने में कोई वो नहीं है, कोई लिंक नहीं है, पर्सन किसी को भी कहते रहो आप। ईयर का इन लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, मैं ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, भाई मैं ईयर किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है, ईयर किसको कहते हैं, इसका पर्सन किसको कहते हैं, इससे कोई लिंक नहीं है। पर्सन, LLP, इंडिविजुअल, भाई इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग होता है, इसको कहते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, मान लिया ये पर्सन की डेफिनेशन में लिखी हुई है। इस बात का ईयर किसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं, इस बात से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है उन दोनों का। तो इस चीज को हम क्लोज या सब क्लोज बोलेंगे। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए ये जो मुंबई जाने वाला एग्जाम्पल था, अगर बाई चांस मान लीजिए इसी को मैं अलग करके सैलरी की मैं इनकम कैलकुलेट करने लग जाऊं, अगर मैं सैलरी की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, मुझे ये सैलरी के कौन से सेक्शन से, 15 to 17, 15 से लेके 17 सेक्शंस हमारे सैलरी के होते हैं। अब अगर मैं सैलरी के सेक्शंस पढ़ रहा हूँ,
और एक सेक्शन में लिखा गया कि जी सैलरी अगर आपको कैश में मिली तो भी आपकी इनकम मान ली जाएगी, अगर आपको काइंड में मिली, प्रिक्विजिट मिली, कोई भी चीज मिली तो भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। लेट से मान लीजिए ये सेक्शन 15(1) में लिखी गई थी, मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं, और ये सेक्शन 15(3) में लिखी गई थी ये बात, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है, एक साथ ही तो पढ़ सकता हूं मैं। ये थोड़ी कह सकता हूं सर कैश में मिली तो मैं इसकी बात करूंगा, कैंड में मिली तो मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा। भाई चीज तो आपको मिली है ना, कोरिलेट है आपका, दोनों चीजें आपको मिली है, आप इनकम कैलकुलेट करोगे उस चीज का, तो उन चीजों का आपस में कोरिलेशन था, एक दूसरे से अटैच्ड थी, या तो कैश में मिलेगी या काइंड में मिलेगी। लेट से मान लीजिए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ये घड़ी दे दी, चीज तो आपको मिली है ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा चाहे वो बेशक काइंड में है। तो अगर इन चीजों का कोरिलेशन है तो उसको हम सेक्शन या सब सेक्शन बोलते हैं, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई कोरिलेशन नहीं है। ईयर किसको कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम का प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, इससे क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है भाई। प्रीवियस ईयर इसको कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम इसको कहते हैं, तो उसको क्लोज या सब क्लोज बोलते हैं, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। चलिए थोड़ा सा आप टैक्स पढ़ लेते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी टैक्स पढ़ने से। हाँ हाँ बोलिए। जी 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 उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती। अब इनका डाउट क्या था, अब लेट से ये कहते कि जी मान लीजिए मेरे एम्प्लॉय ने, मैं ढोलकिया जी का एग्जांपल ले लेता हूँ, उन्होंने उनको गाड़ी गिफ्ट कर दी हर एम्प्लॉय को। अब सैलरी उनको 50,000 मिलती थी, लेकिन दिवाली पे उनको दिवाली धमाका ऐसा मिला कि उनको एक एक या तो चांदी की या सोने की घड़ी मिल गई या फिर एक एक गाड़ी मिल गई। अब ये डाउट क्या कहते हैं कि जी मैं उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँ, मुझे क्या पता कितने की, मार्केट में उसकी वैल्यू चेक कर लो, नई गाड़ी कितने की आ रही। अब ये कहेंगे कि जी मान लीजिए कोई उन्होंने पुरानी गाड़ी दे दी, तो इन सब की वैल्यूअर के थ्रू या फिर प्लॉट दे दिया। अब प्लॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँ, प्लॉट की वैल्यू तो हो सकता है डिफर कर जाए पर्सन टू पर्सन। भाई आज एक बंदा मान लीजिए कोई घर दे रहा है, किसी को फ्लैट दे रहा है, फ्लैट दे रहा है किसी सोसाइटी में, फ्लैट किसी रेट पे, किसी सोसाइटी में किसी रेट पे, तो इनके ना सबके रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं मार्केट में। जैसे हम सीए लोग बैलेंस शीट और वगैरह सर्टिफाई करते हैं, ऐसे ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, उनसे आप उनकी वैल्यूएशन करवा सकते हो कि जी पर प्रॉपर्टी पर फ्लैट की ये कीमत है, जितनी भी उनकी मॉनेटरी टर्म्स में बनेगी उनकी सैलरी में इंक्लूड कर दी जाएगी। जी सैलरी हेड में, वहां पे सेक्शंस, मैंने आपको क्या समझाया, इसीलिए सेक्शंस दिए गए। जब आप अपनी आईटीआर खोलोगे वहां पे अलग अलग सेक्शंस में लिखा गया कि इस सेक्शन में ये चीज है, प्रिक्विजिट इतने वैल्यू की मिली थी आपको, और सर्विसेज अगर कुछ मिली थी, मान लीजिए उसने आपको ड्राइवर भी दे दिया साथ में, वो ड्राइवर आपको, ड्राइवर कोई चीज थोड़ी मिली, ड्राइवर सिर्फ आपको सर्विस देगा, और ना उसको कैश मिला है आपको, तो उसकी भी अलग से डिफाइन होगा कि मेरे जो प्रिक्विजिट इतने की मिली थी, कैश में इतने की मिली थी, सर्विसेज इतने की मिली थी, वो जब आप रिटर्न खोलोगे वहां पे बायफर्केट करके दिखाया जाता है। बिल्कुल आपकी सैलरी में, हाँ जी बढ़ जाएगी, तो ये आपको सर्विसेज मिल रही है ना। मान लीजिए अगर ये सर्विसेज आप खुद करते तो इसका खर्चा तो आप ही बियर करते ना, तो अब वो एम्प्लॉयर आपको कुछ सर्विस दे रहा है वो, हाँ फिर कम हो जाता। अगर आप खुद की गाड़ी से जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको कैलकुलेट इनकम क्यों मानी जाएगी, आपने वो चीज़ तो अपनी जेब से पे। देखिए अब यहाँ पे इनका डाउट ये है कि इससे तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, सरकार इनकम टैक्स एक्ट हमेशा एक बात कहता है कि आप टैक्स सिर्फ एक बार दीजिए, बार बार मत दीजिए किसी भी चीज़ पे। तो जो भी आप खर्चा करेंगे आप उस एक बार तो वो आपसे टैक्स लेंगे ही लेंगे। अब मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, जो पैसे आप खर्च करेंगे वो पिछले महीने की सैलरी से ही तो खर्च करेंगे, उस सैलरी पे तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, उस पे थोड़ी मैं टैक्स दूंगा।
लेकिन अगर आपको गाड़ी मिली तो आपने टैक्स कहाँ दिया? आपने तो टैक्स दिया, आपको तो फ्री में गाड़ी मिल गई, आपकी इनकम हो गई ना इनडायरेक्टली। अब कई एम्प्लॉयर ये टैक्स प्लानिंग करने की सोचते थे पहले कि सैलरी ना दे के एक सरकार तो आपसे टैक्स ले लेगी। अब एम्प्लॉय कहता था कि जी सरकार हमसे टैक्स ले रही है, वो कह रहे ठीक है एक काम करते हैं, कैश में नहीं देगा, आपको चीज़ें दे देते हैं, आपको सर्विसेज दे देते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल खुलवा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपको ड्रेस दे देते हैं। तो सरकार ने कहा ये सारी चीज़ें भी सैलरी में इंक्लूड कर दी जाएगी और आपसे टैक्स लिया जाएगा एक बार, ठीक है जी। चलिए इनकम टैक्स एक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ जी नहीं, दो जगह बेनिफिट नहीं होगा ना। सैलरी जब आप ये देखिए, अगर कंपनी आपको कोई ड्राइवर दे रही है तो उसका खर्चा भी क्लेम करेगी। अगर उसने वहाँ पे उसका खर्चा क्लेम कर लिया, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है एक बार मुझे टैक्स चाहिए ही चाहिए हर चीज़ पे। तो अब उस सेल, कंपनी की सेल बढ़ी हुई है, उसको डिक्रीज करना है। सेल को डिक्रीज क्यों करना है, क्योंकि उसको टैक्स कम देना है। अब सेल को थोड़ी डिक्रीज कर सकते, प्रोडक्ट तो वो बेचेंगे ही बेचेंगे, लेकिन उन्होंने उस प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या किया कि आपको ड्राइवर की सर्विस दे दी। अब जो ड्राइवर को वो पैसा पे करेंगे वो अपने P&L में डेबिट करेंगे। अगर उन्होंने अपने P&L में डेबिट कर दिया तो आपकी मजबूरी हो जाएगी उसको अपना इनकम दिखाना, क्योंकि अगर उसका केस खुल गया और उसमें दिख गया कि इन्होंने, अब ये जो सर्विसेज मिलती है ये बड़ी पोस्ट पे मिलती है, ये नहीं कि किसी भी छोटे स्टाफ को ड्राइवर दे दिया या कोई गाड़ी गिफ्ट कर दी। अब ढोलकिया वाला एक एक्सेप्शन है, वो तो अपने हर एम्प्लॉय को दे देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इन जनरल जो देखा जाता है वो बड़े CFO, CMD वगैरह या CEO इनको दी जाती है, तो वो बड़ी मोटी रकम होती है वो चीज़ें। तो कंपनी जैसे ही खर्चा क्लेम करेगी, अगर उसका स्क्रूटनी में केस खुल गया और अगर आपको नोटिस आ गया और आपने अपनी इनकम में नहीं दिखाया होगा तो आपका केस खुल जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें दिखानी पड़ती है। एक बार टैक्स आपने दिया, कंपनी ने खर्चा अपना क्लेम कर लिया और आपने उस पर टैक्स दे दिया, एक बार हर इनकम पर टैक्स जाएगा ही जाएगा। क्लोज सब क्लोज मैंने आपको बताया, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद हूं जी मैं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, अकेला चलेंगे हम, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज या सब क्लोज। व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, सच पार्ट इज कॉल्ड क्लोज। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2, अब इसको लिखे कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं 2(1)(a), ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको मैं बुलाऊंगा क्या, सेक्शन 2 क्लोज 1(a), ठीक है, डिफाइंस एग्रीकल्चर इनकम, वहीं सेक्शन 2(1)(b), इसको क्या बुलाएंगे, सेक्शन 1(b). तो इन दोनों का, अब एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं और अमालगमेशन, अमालगमेशन का मतलब होता है जोड़ना, जॉइंट करना, कोई भी दो कंपनियों को अगर मैं मिलाता हूं या तो मर्जर या अमालगमेशन बोलते हैं। नहीं, अलग अलग होता है, दोनों में अलग अलग होता है, मतलब अगर आप मोटा मोटी देखो तो दोनों का मतलब जोड़ना ही होता है, जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुई थी, अमालगमेशन। इन दोनों का डिफरेंस बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में बताएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत बेस की बात है, आप इस टाइम पे कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, इनकी अकाउंटिंग अलग अलग होती है। अब इस अमालगमेशन और मर्जर का जो टॉपिक आता है हमारा CA फाइनल में आता है, तो वो लेवल ही बहुत ऊँचा है कि अमालगमेशन और डी मर्जर को मैं कैसे डिफाइन करूँ, उनकी जो टेक्निकल पॉइंट है उन पे जब मैं अपना वर्क करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मर्जर क्या होता है और अमालगमेशन क्या होता है, और एक्विजिशन, एक तीसरा वर्ड एक्विजिशन भी आता है, तीनों में डिफरेंस होता है, वो किसी को एक्वायर करते हैं, मर्ज करते हैं या फिर अमालगमेट करते हैं। CA फाइनल में ये चैप्टर आता है अकाउंटिंग में, तब वहाँ पर समझाया जाता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। सब सेक्शन किसको बोलेंगे, इट रेफर्स टू सच पार्ट्स ऑफ ए सेक्शन वेयर, जहाँ पे
ईच पार्ट, हर एक पार्ट इज रिलेटेड विद अदर, एक पार्ट मेरा दूसरे से रिलेटेड है. एंड ऑल सबसेक्शन टेकन टूगेदर कंप्लीट द कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड इन दैट सेक्शन. उस सेक्शन में कंप्लीट अगर मुझे व्यू चाहिए, होल व्यू चाहिए, तो मुझे वो एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा. अदरवाइज उस सेक्शन में क्या लिखा गया मैं समझ ही नहीं पाऊंगा. एग्जाम्पल क्या है, सेक्शन 5 डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम. टोटल इनकम क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई. लेकिन अब लिखेंगे इसको भी ऐसे ही 5, 1, 2. इसको भी प्रोनाउंस कैसे करेंगे, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, इसको भी हम ऐसे कैसे ही प्रोनाउंस करेंगे. कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में यह बात लिखी गई है और सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में यह बात लिखी गई है. जैसे जैसे आप धीरे धीरे इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसको सबसेक्शन बोलूँ या क्लोज बोलूँ या सब क्लोज बोलूँ. तो जो सबसेक्शन 5(1) है, डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट, और सबसेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है, नॉन रेजिडेंट. अब एक बात बताइए, जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे आप ये चेक करोगे रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, तो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे एज ए होल, ये सेक्शन सबसेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको एक पिक्चर क्लियर होगी. यहाँ पे क्या था, आपको सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम, मैं किसान हूँ, मुझे सिर्फ ये पता करना था एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं. मैं सिंपल सेक्शन 2 क्लोज 1A पढ़ूंगा और मेरा काम खत्म. मुझे अमालगमेशन से क्या मतलब, दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, होती रहे. अब वोडाफोन आइडिया अगर मर्ज हो रही तो एक किसान को क्या मतलब है उनसे, तो दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है. तो वहां पे सेक्शन 2 क्लोज 1A और या फिर सेक्शन 2 क्लोज 1B पढ़ेंगे, तो उनको वहां पे क्लोज बोलेंगे. और यहां पे अब मैं टोटल इनकम निकाल रहा हूं. टोटल इनकम किसकी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. अगर आपका क्लाइंट रेजिडेंट है तो ऐसे निकलेगी, नॉन रेजिडेंट है तो ऐसे निकलेगी. लेकिन है तो टोटल इनकम ना, मैं किसी की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे वो दोनों चीजें एक साथ पढ़नी पड़ेंगी, तभी मुझे व्यू क्लियर होगा कि जी रेजिडेंट में ये है, नॉन रेजिडेंट में ये है. मैं दोनों को कह ही नहीं सकता, कह रहे जी नॉन रेजिडेंट का रेजिडेंट से क्या मतलब है. लेकिन आप कैलकुलेट तो करोगे कि वो बंदा रेजिडेंट था कि नॉन रेजिडेंट था, दोनों का आपस में कोरिलेशन है. टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, ईच सबसेक्शन रिलेटेड विद अदर इन द सेम सेंस दैट ओनली वन रीड विद देम ऑल वन गेट्स द कंप्लीट आइडिया दैट रिलेटेड टू टोटल इनकम. ए सेक्शन में हैव प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशंस. प्रोवाइजो का मतलब क्या है, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद. मतलब ये कि जी ठीक है, हम ये बातें इस सेक्शन में लिखी गई हैं, बशर्तें, हिंदी में इसको बशर्तें भी कहा जाता है एक्सेप्शंस को, प्रोवाइजो. प्रोवाइजो ये शब्द है, ये सारी चीज़ें ना बेस अभी बन रहा है, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं सीधा बोलूँगा सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में ये बात लिखी गई थी. सेक्शन 5 पूरा पढ़ लिया, लेकिन प्रोवाइजो में क्या लिखा गया था, आपने पूरा तो पढ़ लिया लेकिन प्रोवाइजो क्या कहता है, बशर्तें. सेक्शन 5 तो लग जाएगा आप पे, प्रोवाइजो बशर्तें, आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी तभी आप पे लग सकता है. हम आपको 1.5 लाख की छूट देंगे, बशर्तें आप रेजिडेंट होने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट. तो यहाँ पे ये प्रोवाइजो बोलते हैं उसको, उन्होंने कुछ उस पर कंडीशंस लगा दी, कुछ शर्त लगा दी. इट गिव ए एक्सेप्शंस कंडीशंस टू द प्रोविजंस कंटेंड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज. उन्होंने बोल दिया कि हम ये डिडक्शन देंगे, ATTTB बशर्ते हैं वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, उसमें ये लाइन लिख देगा वो, प्रोवाइडेड दैट. वो कहेगा कि डिडक्शन क्या होती है, वो होती है कि सेविंग अकाउंट में अगर आपका कुछ भी पैसा पड़ा है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो 10,000 तक ATTTA में छूट है. तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा, उसके लिखने की लैंग्वेज क्या होगी, इफ यू हैव अर्न द इंटरेस्ट इनकम अप टू 10,000 इज एग्जेम्प्ट और यू कैन क्लेम, सॉरी नॉट एग्जेम्प्ट, यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन ATTTA.
प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी अप टू 10,000, बशर्ते वो 10,000 तक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोवाइजो। एक्सेप्शंस, कंडीशंस। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन है कि उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ये तो आप भी समझते हैं कि नॉर्मल वर्ड है। ये सारे ना लॉ की लैंग्वेज होती हैं। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो में क्या लिखा गया था, प्रोवाइजो। जनरली हम इसको एक्सेप्शंस बोलते हैं अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, लेकिन लॉ बोलेगा प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट उसमें क्या लिखा गया था। वो प्रोवाइजो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्होंने वहां पे कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बशर्ते आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इट गिव्स द क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजन कंटेंड इन दैट सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। क्लैरिफिकेशन से एक्सप्लेन किया उस चीज को, सिर्फ क्लैरिफाई किया है। कई बार क्या होता है, सेक्शंस ना समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है। मैंने बताया था कि सेक्शन इन जनरल बनाया जाता है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए बनाया जाता है। तो वहां पे वो उसको एक्सप्लेनेशन कई बार आ जाती है कि जी चलो एट लार्ज इतने डाउट्स आ रहे थे। मिनिस्ट्री में भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कई बार ना बहुत से डाउट्स चले जाते कि सेक्शन ये कहना क्या चाहता है, हमें क्लियर नहीं है, हम यहाँ जाएं ये बात माने या नहीं माने, तो वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसको एक्सप्लेनेशंस बोलते हैं। द एक्ट सिंस रिवेन्यू बेस्ड एक्ट अंडरगो चेंजेस एवरी ईयर विद एडिशन और डिलीशन ब्रॉट बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। ये मैंने आपको बता ही दिया, एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये मैंने आपको बताया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस करती है फाइनेंस बिल, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर नहीं भी समझाया तो मैं अभी बता देता हूँ, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसको पास करते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के दोनों। उसके बाद जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तब वो जाके फाइनेंस एक्ट बनता है हर साल। प्रेसिडेंट के साइन बिना वो कुछ नहीं होता, बोथ हाउस। तो तीन कंडीशंस होगी इसके ऊपर फाइनेंस बिल। अब यहां पे मैं बशर्ते लगा देता हूं कि फाइनेंस बिल को मैं एक्ट मान लूंगा, उसको फाइनेंस एक्ट नहीं कहते, पहले बोलते हैं फाइनेंस बिल, कि ये बिल है, सिर्फ अभी तक बिल है। प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि मैं फाइनेंस बिल को फाइनेंस एक्ट मान लूंगा, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट कि वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होना चाहिए, दोनों हाउस के थ्रू, और साइन होना चाहिए। तो यहां पे प्रोवाइडेड दैट का मैंने एक थोड़ा सा लिंक कर दिया आपको कि प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या है। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर। अब इसको देखता कौन है? इनकम टैक्स एक्ट इतनी बड़ी संस्था बना दी। आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें ना पता होनी चाहिए, आप की नॉलेज में एनहांसमेंट होती। कहीं भी जब आप मुंह खोलते हो, बोलते हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी, कौन इसको मैनेज करता है, किसके थ्रू ये चीज़ें होंगी। अब आप तो बोल दो कि सरकार पास करती है जी बिल, ठीक है, बिल सरकार पास करती है, लेके कौन आता है, लेके सरकार आती है, इसको देखता कौन है, चलाता कौन है इनकम टैक्स एक्ट को? सरकार थोड़ी चलाएगी, सरकार का काम देश चलाने का, ना कि इनकम टैक्स एक्ट को चलाने का। तो इसको चलाता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इज लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का मतलब जैसे माँ एक बच्चे को लुक आफ्टर करती है ना, या माली पेड़ पौधों को लुक आफ्टर करता है, मतलब देखभाल करना, बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट सेक्शन। अब ये क्या बोलता है, CBDT एम्पावर है, मतलब उसमें क्षमता है, वो बना सकती है, उसके पास ये अथॉरिटी है रूल्स बनाने की। किस बात के लिए? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन मतलब उसको चाल चलन, उसको ठीक तरह से मैनेज करने के लिए। अब अगला आता नोटिफिकेशंस क्या है, नोटिफिकेशंस क्या है। अब नोटिफिकेशंस क्या है, अब एक्ट तो आया मेरा साल में, पूरे साल के एंड पे। ये है कि सेक्शन 32 स्टेट दैट डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर गिवन अंडर रूल 5। चलिए समझा देते हैं इस चीज को। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने अभी आपको समझाया था कि हमारे पास
दो चीजें बनाई उन्होंने, एक एक्ट बनाया और एक रूल्स बनाए। एक एक्ट बनाया और एक रूल्स बनाए। तो मैंने कहा था कुछ बातें उन्होंने एक्ट में लिखी हैं और कुछ बातें उन्होंने रूल्स में लिखी हुई है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, ये देखिए। अब ये क्या कहता है, सेक्शन 32 स्टेट दैट डेप्रिशिएशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। उन्होंने ये बात सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 32, सेक्शन 32 कहां पे फॉल करता है, 28 to 44 DB के बीच में बात करता है। 28 to 44 DB किसके सेक्शंस थे, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो ना, ऐसे ही याद होंगे सारे सेट। 28 से 44 DB PGBP मतलब बिजनेस के। डेप्रिशिएशन किस पे चार्ज होगा, डेप्रिशिएशन का मतलब है घिसावट। कोई भी मशीनरी अगर मेरी यूज होती है हर साल तो वो डेप्रिशिएट होती है, मतलब घिसती है, कम होती है, तो उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। ये सर मेरी डेप्रिशिएट हो गई कोई भी चीज़। अब लेट से मान लीजिए मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये पेन ताउम्र थोड़ी चलेगा, हर साल कुछ ना कुछ कम होता रहेगा, इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो इनकम टैक्स में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपने कोई L&T है, लार्सन एंड टुब्रो, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। अब उसकी मशीनें ही 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ की होंगी, या फिर मान लीजिए L&T का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, L&T का प्रोजेक्ट चला, कोई भी वो लेट से कोई फ्लाईओवर बना रहे थे, उसके लिए उन्होंने कोई मशीन की जरूरत पड़ी और उसकी मशीन की कीमत थी 100 CR की। अब जैसे ही वो 100 CR को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट मारेंगे, मतलब अपने खर्चे में डालेंगे, और उसकी सेल थी मान लीजिए उस साल 85 CR की, तो इसको तो लॉस हो गया ना। मान लीजिए सिर्फ दो ही चीजें, सेल थी 85 करोड़ की और उसकी मशीनरी थी 100 करोड़ की, तो उसको 15 करोड़ का तो लॉस हो गया। अब सरकार ये कहती है भाई तू इस मशीन को L&T क्या सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे चलाएगा, वो कहते नहीं जी मैं तो इसको उसके बाद, अब ये मान लीजिए मथुरा में चल रहा था ये प्रोजेक्ट, वो कहेगा उसके बाद तो इसको मैं दिल्ली लेके आऊँगा, दिल्ली से ले जाके मैं इसको हरियाणा लेके जाऊँगा, मैं तो हर जगह चलाऊँगा इस मशीन को। वो कहते फिर तूने P&L में एक साथ डेबिट क्यों कर दिया इतनी बड़ी अमाउंट को, तेरा तो लॉस हो गया इस साल में, जबकि तू इसको करेगा हर साल यूज़, एक साथ इसको यूज नहीं करने वाला है। उनका हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने कहा तू एक काम कर इस पे डेप्रिशिएशन चार्ज कर, डेप्रिशिएशन के पीछे का रीजन बता रहा हूं, डेप्रिशिएशन है क्या और ये क्यों आया था। उन्होंने कहा एक काम कर इस पे ना, जितना इसको तूने यूज किया मथुरा में तू उतना चार्ज कर। वो कहते जी मैं कैसे बता दूं, मशीनरी है, अभी इस पेन को इस क्लास में मैंने कितना यूज किया मैं कैसे बता दूंगा, 10 रुपए का यूज किया, 15 रुपए का यूज किया, मैं तो बता ही नहीं सकता, तो यूज करता चले जा रहा हूं। तो L&T ने भी सरकार को ये कहा कि सर मेरी मशीन तो 100 करोड़ रुपए की थी, लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि मथुरा में जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर मैंने कितने रुपए की मशीन खर्च कर दी, मशीन तो एज ए होल है ना, मैं तो बता ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू नहीं बता सकता हम बता देते हैं, एक काम कर हर साल इसको 10% के हिसाब से डिक्रीज कर। मान ले तूने कोई भी प्रोजेक्ट किया साल में, उसको 10% तेरा खर्चा आ गया, उस पर खर्च कर दी तूने वो मशीन, तो वो कहते कि इसको 100 करोड़ ना करके इसको 10 करोड़ ही खर्चे में डाल, और इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन, मतलब तुम्हारी मशीन सिर्फ 10 करोड़ रुपए की घिसी थी एक साल में, घिसावट उस मशीन पे सिर्फ 10 करोड़ की आई, ना कि तूने 100 करोड़ की मशीन पूरे साल में घिस दी, तो इसलिए डेप्रिशिएशन आया। तो सेक्शन 32 कहता है कि सेक्शन 32 स्टेट दैट कहता है, स्टेट दैट मतलब कहता है, सेक्शन 32 स्टेट्स दैट, स्टेट दैट का मतलब होता है कहता है, उस सेक्शन में लिखा गया डेप्रिशिएशन विल बी चार्ज होगा अलाउड एज डिडक्शन, मतलब उसको आप खर्चे में डेबिट कर सकते हो, मतलब जो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, साल का बही खाता बनाओगे, P&L बनाओगे, उसको आप डेबिट साइड में लिख सकते हो, हम आपको डिडक्शन दे देंगे उसकी, सेक्शन 32 में ये बात लिखी गई है। अब इसमें भी आगे चल के बहुत दिक्कतें होती हैं, उसमें भी कहीं पे होता है कि ये खर्चा अलाउ होगा, कहीं पे लिखा जाता है ये खर्चा नहीं अलाउ होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, रतन टाटा जी का कोई चाय का बगान चल रहा था,
आसाम में या किसी साइड पे उड़ीसा में। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे फिरौती मांगने आ गए फिरौती वाले। तो रतन टाटा का काम फिरौती वालों से गुंडों से लड़ने का नहीं, उनका काम बिजनेस करने का। जैसे ही वो लोग फिरौती मांगने आए, रतन टाटा जी ने चुपचाप फिरौती, उनको 10 या 15 करोड़ की कोई अमाउंट थी, उन्होंने वो दे दी और उन्होंने क्या किया, उसका खर्चा क्लेम कर लिया। उन्होंने P&L में डाल दिया कि जी मैंने गुंडे आए थे उनको पैसे दिए थे, मेरे तो बिजनेस का खर्चा है, मैं थोड़ी अब उसको वो करूँगा। उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स ने, इनकम टैक्स ने कहा जी ये खर्चे हम अलाउ नहीं करते, ये खर्चे हम अलाउ नहीं करेंगे, आपने किसी को रिश्वत दी वो आपकी हेडेक है, आप बिजनेस चला रहे हो बिजनेस चलाइए। उस टाइम पे रतन टाटा जी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। बाद में ये लोग अमेंडमेंट लेके आए, इसीलिए ना इनकम टैक्स एक्ट इतना बड़ा बन गया, इतने सेक्शंस आ गए। पहले ये बात किसी को थोड़ी पता थी, किसी कोई रिश्वत लेने आएगा वो उसको खर्चा क्लेम कर देगा अपनी बुक्स में। लेकिन जैसे ही रतन टाटा जी वाला केस हुआ, इनकम टैक्स को भी पता चल गया जी कोई भी इंसान कल को ये खर्चा क्लेम कर सकता है। तो उन्होंने सिंपली कहा कि ये खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे किसी भी हाल, इसलिए इनकम टैक्स इतना बड़ा बना है। तो सेक्शन 32 उस टाइम पे उन्होंने कर दिया था, लेकिन बाद में उसको डिसअलाउ कर दिया गया था। हाँ जी, तो सेक्शन 32 स्टेट दैट डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन, कि हम उसको, तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि भाई हम डेप्रिसिएशन को अलाउ कर देंगे खर्चे में, लेकिन ये फिरौती का पैसा जो आपने रिश्वत दी है, रिश्वत दे लो फिरौती कह लो, जो रिश्वत तो नहीं है, फिरौती का पैसा जो आपको दिया आपने दिया है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो सेक्शन 32 में ये बात लिखी कि हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे, लेकिन सेक्शन में ये बात नहीं लिखी, इन्होंने ये बात रूल्स में लिखी कि किस रेट पे अलाउ करेंगे। अब आप डेप्रिसिएशन किसी मशीन पे चार्ज कर दोगे, लेकिन किस रेट पे करोगे, एक्ट एक्ट सिर्फ पढ़ के थोड़ी पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे जो एग्जांपल था 32 डेप्रिसिएशन का, सेक्शन 32 पूरा सेक्शन डेप्रिसिएशन को, हाँ जी किस पे कितना, ये रूल्स में लिखी गई है बात, रेट वहाँ रूल्स पे दिए गए। अब रूल्स वो देखना पड़ेगा, एक बार रूल्स चेक कर लेंगे कि डेप्रिसिएशन के या जितने भी रेट्स दिए गए वो रूल्स में दिए गए। तो इन्होंने एक्ट में ये बात लिख दी कि सेक्शन 32 में जाके पढ़ लो कि डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा कि नहीं होगा, लेकिन किस रेट पे होगा उसके लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये एक एग्जांपल था कि रूल्स में क्या लिखा रहेगा और सेक्शन में क्या लिखा रहेगा। चलिए समझ आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना, डाउट कुछ भी हो ना। चलिए उसके बाद है नोटिफिकेशंस क्या है। नोटिफिकेशंस है कि जब साल में पूरा एक्ट बनाया जाता है तो हर साल चेंज किया जाता है, बट अगर बाय चांस सरकार को बीच में कुछ चेंज करना पड़ा, कोई रेट चेंज करना पड़ा, कोई नई कुछ चीज़ें हटानी पड़ी या कुछ ऐड करना पड़ा, तो अब साल के बीच में फाइनेंस एक्ट थोड़ी ले आएंगे, फाइनेंस बिल थोड़ी ले आएंगे, अब 6 महीने पे ले आए, नहीं जी, उसके लिए ये नोटिफिकेशंस आपने सुना होगा, ये नोटिफिकेशन आ गई, ये नोटिफिकेशन आ गई, तो उसका मतलब होता है कि कुछ अमेंडमेंट किया है, कुछ चेंज किया है, साल के बीच में जरूरत पड़ गई थी, कोई रेट चेंज करना था, कुछ आपदा आ गई थी, कुछ डेट ड्यू डेट्स बढ़ानी थी, तो नोटिफिकेशंस आते हैं। एक्ट में लिखा गया कि 31 जुलाई तक आपको अपनी ITR भर देनी है इंडिविजुअल्स को, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कोविड आ गया, अब सरकार कोई एक्ट को थोड़ी चेंज करने जाएगी कि जी एक्ट को ही बदल देते हैं, हम नया एक्ट ले आते हैं, सिंपल एक नोटिफिकेशन लेके आएगी कि जो इंडिविजुअल 31 जुलाई थी जिसकी डेट कोविड की वजह से, उसको हमने 30 सितंबर कर दिया गया, तो उसको नोटिफिकेशंस बोलते हैं। नोटिफिकेशंस आर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इशूड बाय द CG, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट,
कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट में जो बात लिखी हुई एक्ट में उसको इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशंस आती है। सीबीडीटी हैज आल्सो एम्पावर्ड टू मेक एन अमेंड रूल्स बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। सीबीडीटी के पास ये एम्पावर है कि वो रूल्स एक्ट को चेंज कर सकती है, बीच में नोटिफिकेशंस लेके आ सकती है। दे आर बाइंडिंग ऑन, बाइंडिंग मतलब एप्लीकेबल, बाउंड हो गए उस चीज़ को, बाध्य हो गए, बाध्य मानने के लिए एसएससी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर उन्होंने कुछ चेंज किया, एसएससी का मतलब क्या था, अब देखो अब यहाँ पे आपको पता चलेगी। अब ये थोड़ी लिखता है इनकम टैक्स की राम श्याम अरुण इन चीज़ों, इन पे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाध्य होगा, तो उनको वहाँ पे बताना पड़ा कि एसएससी, एसएससी का मतलब यही बात मैं उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि कुछ ना कुछ नाम देना था उस पर्सन को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, अब पर्टिकुलर हर बंदे को थोड़ी कहूँगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्लस राहुल के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। सिंपल कहा उन्होंने एसएससी मतलब जो जो एसएससी हैं जिस जिस से रिलेटेड इनकम टैक्स है उन सब पे प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे ये बाउंड हो जाएगा, दोनों को मानना पड़ेगा, बाध्य है। सर्कुलर्स आए, सर्कुलर्स किस लिए आए, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी आ गई जो समझ में ही नहीं आ रही, सरकार ने भी कुछ चीज़ ऐसी इशू कर दी, अब मान लीजिए कोई रेट ऐसा इशू कर दिया कि कोई भी कपड़े पे रेट इशू कर दिया 5% पे लगेगा, अब कपड़े वाले व्यापारियों को पता ही नहीं चल रहा है कौन से कपड़े पे, लिनन के कपड़े पे ये रेट है या जो सूती कपड़े होते हैं उन पे ये रेट है या कोट पैंट पे ये रेट है, तो सरकार इसको क्या करेगी, सर्कुलर लेके आएगी, फिर इसको क्लैरिफाई करेगी कि जी हम ये कहना चाहते थे रॉ मटेरियल पे ये 5% है या इस कपड़े पे ये 5% है या स्टिचिंग पे ये 5% किस पे, वो क्लैरिफाई करके देगी इस चीज़ को। तो सर्कुलर्स आर इशूड बाय द सीबीडीटी टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लैरिफाई द डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ। अगर प्रोविजन ऑफ द लॉ, प्रोविजन मतलब सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोविजन, जो भी बातें लिखी गई हैं उसको प्रोविजन बोलते हैं। प्रोवाइजो अलग होता है, प्रोविजन्स अलग होते हैं। प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन, प्रोविजन मतलब जो सेक्शन में लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी स्कोप या मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम सर्कुलर्स निकाल देंगे। दी सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट नॉट ऑन द एसएससी। अब उसका मतलब क्या है, अब एसएससी उस चीज़ को कुछ भी माने वो एसएससी पे बाउंड नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशंस अगर उन्होंने, सरकार ने कुछ एक्ट में चेंज किया है नोटिफिकेशंस, लेट से मान लीजिए 5% से डेप्रिसिएशन का रेट 10% कर दिया, वो तो सब पे अप्लाई होगा, एसएससी पे भी और डिपार्टमेंट पे भी। लेकिन अगर कुछ डाउट क्लेरिफाई कर रही है सरकार कि जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो वो एसएससी पे बाउंड नहीं है, एसएससी माने या मत माने, एसएससी अपने तरीके से डील कर ले, क्योंकि वहाँ पे डाउट था। सरकार सिर्फ एक अपनी तरफ से बता रही है सर्कुलर इशू करके कि मैं ये कहना चाहता हूँ। अब सरकार अगर बता रही है, सीबीडीटी अगर बता रही है, तो बाउंड उसी पे तो होगा, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी का तो पार्ट है, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे अब्बा जी जो सीबीडीटी उसके अब्बा जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ उसकी औलाद मान सकती, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा, बाहर के जो बच्चे हैं वो नहीं मानने वाले, मतलब एसएससी है वो नहीं मानने वाला कि किसी के अब्बा जान किसी को कुछ क्या कह रहे, हमें नहीं पता वो क्या बोल रहे, उसके बेटे उसकी बात सुनेंगे, एसएससी नहीं सुनने वाला उस बात को, तो वो उस पे बाउंड भी नहीं होता, वो उसकी डिस्क्रिशन है, किसी के बाप की बात सुननी है नहीं सुननी है वो अपना देखे। तो ये बात ध्यान रखना, आपको इन चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए और किसको क्या कहते हैं ये भी बात पता होनी चाहिए। सर्कुलर्स किसको कहते हैं, नोटिफिकेशंस किसको कहते हैं, प्रोविजंस किसको कहते हैं, केस लॉ, केस लॉ आप देखिए पूरी बातें इनकम टैक्स में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता। केस लॉ आए, केस लॉ कौन से वाला है, मैंने आपको रतन टाटा जी का एग्जांपल दिया था, ये केस गया हाई कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट गया जहां भी गया, तो वहां से कुछ जजमेंट आई, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है ये बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लॉ होती है, मतलब वो लॉ बन जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोल दिया तो वो लॉ मान लिया जाएगा हिंदुस्तान में, हाई कोर्ट ने कुछ भी बोल दिया वो लॉ नहीं माना जाएगा, वो लॉ सिर्फ उस स्टेट में माना जाएगा जिस स्टेट की वो हाई कोर्ट है वहीं पर वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास कर दी वो पूरे हिंदुस्तान में माना जाएगा, वो लॉ ही बन गया। तो केस लॉ आए, जुडिशल डिसीजन कि जी चलिए जी इस केस में ये हुआ था, जो आप पढ़ देंगे
फला फला वर्सेज फला फला, फला फला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस बिकम जुडिशियल लॉ, लॉ बन जाता है, बिकम्स मतलब बन जाता है प्रेसिडेंट, एंड बाइंडिंग एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स एपेलेट ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स अथॉरिटी ऐसे सब पे अप्लाई हो जाएगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है इनकम टैक्स का ही एक अलग पार्ट जहाँ पे केस लॉ, अब इसकी ना हायरार्की होती है, पहले केस लॉ आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सुना जाएगा, फिर आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा, फिर उसके बाद आपका हाई कोर्ट में सुना जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो चार जगह आपका केस सुना जा सकता है इनकम टैक्स से रिलेटेड सिर्फ, बाकी जो है बाकियों के अलग कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द एसएससी, बाइंडिंग मतलब बाउंड है, बाध्य है, किस पे, एसएससी पे भी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी पे भी। अब तक कौन कौन सी चीजें इनकम टैक्स और उस पे बाउंड हुई हैं? नोटिफिकेशंस और केस लो, दोनों चीजें किस पे बाउंड होंगी, एसएससी पे भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी, जबकि सर्कुलर्स होंगे वो सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाध्य होंगे। इनकम टैक्स व्हेन कम्स अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन अनलेस इट इज कवर्ड बाय हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट बाइंड द अदर हाई कोर्ट, मतलब एक स्टेट का हाई कोर्ट, सिर्फ एक स्टेट को ही बाउंड कर सकता है, दूसरे को बाउंड नहीं कर सकता। ठीक है जी, आज की क्लास का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को आज के लिए विराम देंगे। स्लैब रेट, सर स्लैब रेट क्या होता है? अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो मैं आपको रेट बता देता हूँ। अभी तक तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने अभी तक मेनली मोटा मोटी अगर आप सम अप करो, तीन क्लासों को सम अप करो तो क्या पढ़ा हमने अभी तक, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, किस चीज़ को क्या कहते हैं, कैसे कैसे इसके प्रोसीजर्स बने हुए हैं, कैसे कैसे सेक्शन से सब सेक्शन से क्या है। अब बात आई जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जो सैलरी हेड में हम आप कैलकुलेट करेंगे, पीजीबीपी में कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि बेसिक थोड़ा थोड़ा टचअप दिया इनकम टैक्स का मैंने अभी तक, कि धीरे धीरे मैं आपको इनकम टैक्स की लाइन में लेके आया कि ऐसे ऐसे इसमें इस चीज़ को ये कहते हैं, यहाँ ये चीज़ ऐसे चलती है, ऐसे प्रोविजंस होते हैं, ऐसे बुलाया जाता है किसी चीज़ को। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि जी अगर मैं इतनी इनकम कमाता हूँ तो कितना टैक्स लगेगा, अगर मैं इतने पैसे कमाता हूँ तो कितना टैक्स लगेगा, किस रेट पे टैक्स लगेगा। तो इन्होंने ना स्लैब बना रखे हैं, स्लैब इनकम टैक्स एक्ट में, स्लैब बना रखे इन्होंने। स्लैब का मतलब, स्लैब होता है ऐसे पार्ट्स में स्लैब बना रखे हैं कि अगर यहाँ तक आपकी इनकम है तो आप ऐसे टैक्स दीजिए, यहाँ तक आपकी इनकम है तो ऐसे टैक्स दीजिए, यहाँ तक इनकम है तो आप ऐसे टैक्स दीजिए। सर ऐसा क्यों बना रखा है? ऐसा इसलिए बना रखा है क्योंकि इंडिया में बहुत ही एक गैप है इनकम में, किसी बंदे की इनकम 10 लाख है, किसी बंदे की इनकम 5 लाख है, किसी बंदे की इनकम 2 लाख है। तो सब पे अगर किसी इनकम 2 लाख है उसके लिए तो अपने परिवार को चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, साल में अगर 2 लाख रुपए कमाता है तो। अब सरकार ये तो नहीं कह सकती एक काम करो जी सब के सब ना 50% टैक्स दे दो, 30% टैक्स दे दो, जी नहीं।
अब इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जो हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या पढ़ा था हमने, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जो बाय बर्थ पैदा होते हैं, जिसको क्रिएट नहीं किया जाता, जो आर्टिफिशियल नहीं होते। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जब स्लैब बना देते हैं, स्लैब मतलब पार्ट्स में बांट देते हैं, अगर आपकी इनकम इतनी हुई तो आपको इतना टैक्स देना है, आपकी इनकम इतनी हुई तो आपको इतना टैक्स देना है, आपकी इनकम इतनी हुई तो आपको इतना टैक्स देना है, तो इन्होंने स्लैब बना दिए। तो अब आपको यहां पता चलेगा कि जो मैंने अब ये तक आपको पढ़ाया था उसका क्या मतलब था, उसका ये मतलब था। अब आप यहाँ पे कोरिलेट कर पाओगे कि इंडिविजुअल की डेफिनेशंस मैंने आपको क्यों पढ़ाई थी। अब आप थोड़ा थोड़ा समझोगे, अगर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेके आता स्लैब रेट में, अब एक दो बच्चे ने कहा भी मुझे फर्स्ट क्लास में ही कि सर डायरेक्ट इंडिविजुअल वो पढ़ा दो ना, स्लैब रेट वाली बातें वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं, आज बेसिक क्लास थी। तो उस दिन मैंने उसको ये कहा था कि मैंने कहा रुको थोड़ा देखो तो सही कि आने वाली क्लास, क्योंकि देखिए हमें पता रहता है कि हमें जाना कहाँ है। अभी अगर मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ, लेट से हमें यहाँ अपनी जर्नी यहाँ से स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, मैं अगर स्विट्जरलैंड जाके आ चुका हूँ वापस, तो मुझे पता है ना सर स्विट्जरलैंड ऐसे 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 जाया जाता है। चलिए स्विट्जरलैंड थोड़ा सा आउट ऑफ द कंट्री हो गया, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले दूँ, मुझे कलकत्ता जाना है, अब कलकत्ता जाना है मुझे पता है कलकत्ता कैसे जाया जाएगा, कलकत्ता हम यहाँ से बिहार झारखंड होते हुए कलकत्ता चले जाएंगे। अब कोई बंदा कहता है कि सर एक काम करो उड़ीसा चलते हैं फिर कलकत्ता चलते हैं, कलकत्ता जाया उड़ीसा से भी जा सकता है, लेकिन मैं लंबा रास्ता क्यों लूँ, मुझे उस बात का पता है कि भाई शॉर्ट और आसान तरीका ये, यहाँ से पहुँचेंगे तो कलकत्ता जल्दी पहुँचेंगे, मैं कलकत्ता पहले जा भी चुका हूँ। तो ये पूरा इनकम टैक्स एक्ट मैंने पढ़ा भी रखा है, मुझे पता है, मैंने खुद भी पढ़ रखा है सी ए में, फिर पढ़ाया भी है, तो मुझे पता है ना कौन सा सेक्शन कब कौन सी बातें बतानी ठीक रहेंगी। तो कई बार आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि अगर सर ये बात नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब वो बात डिटेल में आगे आने वाली, आपको डिटेल में उसके बारे में समझाया जाएगा, अभी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, मैं आपको समझा भी दूंगा उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे मैं स्लैब रेट समझा देता, बहुत से बच्चों को इंडिविजुअल क्या होता है, HUF क्या होता है, BOI क्या होता है, वहाँ पर नहीं पता होता कि सर BOI किसको बोल, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है कि सर HUF क्या होता है, AOP क्या होता है, BOI क्या होता है, अभी आप एकदम तुरंत कोरिलेट कर पाओगे फटाफट। उस दिन मैं समझा तो पहले मैं आपको, फिर उस दिन भी स्लैब रेट बाद में बताता, पहले ये समझा, आप पूछते सर AOP ये किस चीज़ बला का नाम लिख दिया आपने, क्या बोल रहे हो ये तो हमें पता ही नहीं, पहले ये समझाओ। तो इसीलिए मैंने पहले आपको वो सारी चीज़ें समझाई और अब हम स्लैब रेट पे आए, ठीक है। चलिए तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BOI या फिर AJP, AJP का फुल फॉर्म क्या है जी, AJP पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई थी आज, रिवाइज भी करवाई है मैंने। BOI का क्या मतलब था और AOP का मतलब, HUF का मतलब, जो रेजिडरी रह गए थे यूनिवर्सिटीज को क्या कहा जाता है, बार काउंसिल को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में, मैंने इसलिए पूछा आप लोगों का ध्यान भी है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP। तो इंडिविजुअल मतलब सिंगल बंदा, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनमें से कुछ भी हुआ, कोई भी हुआ, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसके लिए ये स्लैब रेट लगेंगे। उसकी इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इस हिसाब से कैलकुलेट होगा, इन बंदों के लिए सेम है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बीच का डिफरेंस हम पता करेंगे। तो अगर उसकी इनकम 2.5 लाख तक है
इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, घर का नाम क्या देंगे इसके, घर का नाम आगे भी आपको BEL दिखाई देगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है, छूट। बेसिक का मतलब एक बेस दे दिया, सबसे कम। लिमिट का मतलब एक लिमिट भी लगा दी कि यहां तक आपको छूट दे देंगे हम, अप टू 2.5 लाख। अप टू मतलब तक, अप टू का मतलब होता है तक, 2.5 लाख तक आप पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, निल, आपको कोई टैक्स नहीं देना, जीरो। अगर आपने 2.5 लाख से ऊपर कमाया, 2,50,000 एक रुपया से लेके 5 लाख तक, कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको, 5% का टैक्स रेट आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 5 लाख एक रुपया से लेके 10 लाख तक कमाया तो आपको कितना देना पड़ेगा, 20%। और अगर आपने 10 लाख एक रुपया से लेके कहीं तक भी कितना कमाया तो कितना देना पड़ेगा, 30%। मतलब क्या, मतलब ये कि मान लीजिए आपने की इनकम ये है और आपका 2.5 लाख है, 2.5 लाख तक तो आपको जीरो टैक्स, कुछ नहीं देना जी, आपको टैक्स ही नहीं देना। अगर आपकी 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की है तो आपको अपना थोड़ा सा हिस्सा 5% आप सरकार को दे दीजिए। सरकार को क्यों दोगे भाई, हाँ जी, किस क्राइटेरिया से जी, नहीं सरकार को देश चलाने के लिए पैसा देंगे। मैंने पूछा सरकार को पैसा क्यों दोगे, अगर बाई चांस आपने थोड़ी सी इनकम और की 5 लाख से 10 लाख कमाई तो वो कहते हैं काम करो आप 20% टैक्स दे दो अपनी इनकम का, जो भी आप कमा रहे हो उसका 20% हमें दे दो, हम आपको बदले में क्या देंगे 20% की फैसिलिटीज देंगे, हॉस्पिटल्स देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, रोड देंगे। और अगर आपने 10 लाख से ऊपर कमाया तो सरकार का मुंह फट गया, कहते 30% हमें दे दो यार, 30% मतलब 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आप अपनी टोटल कमाई का सरकार को दे दोगे। ये बात भी कही जाती थी एक प्रेस रिलीज में, सॉरी एक प्रेस इंटरव्यू में, अरुण जेटली उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर से, उनसे कहा भी गया था कि आप एक काम क्यों नहीं करते आपने, अब देखिए हमारा देश जो है मोस्टली यहाँ फॉल करता है, यहाँ पे मोस्टली 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे देश की आ जाती है। तो उनसे ये बात कही गई थी कि आप सर एक काम करो ना, आप सब पे ही, अब इतना अबाउ 10 लाख कमाने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, गिने चुने होंगे, उंगलियों पे गिन सकते हैं, उंगलियों पे मतलब काउंटिंग ईजी है उनकी। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो ना, इस 30% को 5% या फिर 7% सब पे लगा दो एज ए होल। भाई मेनली मेरी तो यहाँ से है ना, तो आप 5 की बजाय 4% ले लो, एक काम करो सब पे 4% ले लो। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया था कि इंडिया में जो है वो लोगों की नीयत ख़राब हो चुकी है टैक्स इवेजन की, टैक्स चोरी करने की। अगर मैं इसको 4% भी कर दूंगा ना, यकीन मानिए टैक्स का रिवेन्यू और डाउन आ जाएगा, लोग इंडिया में टैक्स देना ही नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने वो वहाँ पे वो जवाब दिया कि स्लैब रेट तो यहीं रहेंगे, इतना ही ठीक है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की नीयत पहले से ही ख़राब है। अगर मैं 4% भी कर दूं, टैक्स तभी भी नहीं देंगे। तो इन्होंने अपना, उनका हो सकता कोई कुछ कैलकुलेशन हो, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन हो। तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना हिंदुस्तान में, 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5% का देना है, 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 20% देना, और अबव 10 लाख है तो 30% देना है। उसके बाद उन्होंने कहा, अब देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, बहुत ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट होना चाहिए वो बंदा, रेजिडेंट मतलब हिंदुस्तान का वासी होना चाहिए। अगर वो बंदा रेजिडेंट है प्लस सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब 60 या 60 से ज़्यादा लेकिन 80 साल से कम, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस साल में जिस साल में मैंने इनकम कमाई उस साल में किसी भी टाइम पे वो 60 साल से ऊपर था
और 80 साल से कम था और वो बंदा रेजिडेंट था, तो उसके लिए इन्होंने कहा चलो जी 2.5 लाख तक सबको थी, आपको हम 50,000 एक्स्ट्रा छूट दे देते हैं और 3 लाख तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेते, उसके बाद हम आपसे क्या लेंगे 3 लाख से 5 लाख। फिर उसने वही किया, 5 लाख तक ले आया, वहाँ पे 2.5 से 5 था, यहाँ पे 3 से 5 ले आया, 5%, 5 से 10 20 और 10 से ऊपर। तो इन्होंने मोटा मोटी 50,000 रुपये की सीनियर सिटीजन को छूट दी, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया का नहीं होना चाहिए। इंडिया का होना अलग बात है, सिटीजनशिप बहुतों के पास हो सकती है लेकिन रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट की कुछ कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन है 182 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब कईयों का डाउट होगा कि सर 80 साल तक तो है, अब उनके दादाजी मान लीजिए 96 ईयर के हो लिए, सर उनके लिए क्या छूट दे दी इन्होंने और सीसी को सीनियर सिटीजन बोल दिया, तो वो क्या हो गए, वो हो गए सुपर, उनसे भी ऊपर, वो भी रेजिडेंट होने चाहिए प्लस सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब 80 साल के आदमी या 80 साल से ऊपर। आजकल तो होते ही बहुत कम, एवरेज ही 60-70 साल उम्र बची हुई है। तो उन्होंने कहा कि अप टू 5 लाख, उन्होंने कहा 5 लाख तक आप कमा रहे तो नील, हम आपसे टैक्स ही नहीं ले रहे। उनको 2 लाख और एक्स्ट्रा, 3 लाख से ऊपर या फिर 2.5 लाख एक्स्ट्रा, 2.5 लाख से ऊपर इन्होंने कहा नील, कोई टैक्स रेट नहीं लेंगे आपसे, और 5 लाख से 10 लाख तक आपसे 20% का टैक्स लेंगे और अबव 10 लाख आपसे 30%, बाकी वही है 2.5 लाख से। नॉर्मल केस, नॉर्मल केस में क्या था, 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट हो गया, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से ऊपर 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन में क्या कंडीशंस थी, 60 प्लस होना चाहिए, 60 साल या 60 साल प्लस या 60 साल, 60 साल नहीं, 60 ईयर्स और मोर, मतलब 60 साल का भी होगा तो भी मिल जाएगा, हाँ, और 60 साल से ऊपर होगा तो भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे 3 लाख तक। उसके बाद सेम वही था, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से ऊपर 20% और 10 लाख तक था, और फिर 10 लाख से ऊपर 30%। फिर है सुपर सीनियर सिटीजन, फिर इसमें भी कंडीशन वही दी गई कि रेजिडेंट होना चाहिए, 80 साल या 80 साल से ऊपर होना चाहिए, 5 लाख तक उसमें और 5 लाख से 10 लाख 20% 20% और 10 लाख से ऊपर 30%, ठीक है जी। उसके बाद आया जी, हाँ जी, नॉन रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए कोई स्टैंड रेट नहीं है अगर वो 60 से ये कह रहे हैं, अगर वो बंदा 60 साल से ऊपर है और वो नॉन रेजिडेंट है तो उसका क्या होगा, उसका नॉर्मल कंडीशन ये वाला। अगर जो मैंने तीन बताए आपको, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, वहां तक फॉल कर रहा है तो ये मान लो, अगर वो कहीं नहीं फॉल कर रहा तो ये बेसिक है, फिर सबको घुमा फिरा के इसमें ही पटक देना। अगर वो कहीं नहीं फॉल कर रहा तो इस पर यह लगेगा, अगर वो वहां फॉल कर रहा है तो फिर स्पेसिफिक लगेगा, ठीक है। उसके बाद आया जी फॉर्म, फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी मतलब, एलएलपी की फुल फॉर्म क्या थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए इस क्लास का यही फायदा होने वाला, टिप्स पे रटी होंगी सारी चीजें आपकी, तभी मैंने फर्स्ट डे पे कहा था 35 से 40 हजार रुपए महीने के पर्सन हो जाओगे आप ये क्लास खत्म होते ही, बशर्ते उतनी मेहनत से भी काम करना पड़ेगा और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपना वर्न कर सकते हो। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको, लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटी एमसीडी वगैरह का एग्जांपल आज ही तो दिया है, तो उसमें क्या है ना, होल इनकम इज टैक्सेबल फ्लैट विदाउट एनी BEL, विदाउट मतलब बिना इसके, BEL मतलब करेक्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब
अगर कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो, फिक्स कर लो कि अगर कोई बंदा नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, कोई भी बंदा किसी का जन्म हुआ है, तो उस पर कितना लगाऊंगा मैं, 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। लेकिन अगर कोई बंदा क्रिएट किया गया है, बंदा नहीं, कोई भी कोई चीज़ क्रिएट की गई है, चीज़ मतलब फर्म, LLP, कंपनी, तो उस पर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले स्लैब रेट नहीं लगेंगे। एकदम आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें फिक्स कर लो। कोई भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग है या फिर HUF है, HUF भी क्रिएट की जाती है, पैदा नहीं होती, HUF बाय बर्थ आप उसका वो बनते हो मेंबर, या फिर AOP BOI थी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कोई भी वो था, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, हमेशा स्लैब रेट लगाया जाता। बट अगर आपकी वहीं पे फर्म हो गई, LLP हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, तो वहाँ पे फ्लैट 30% लगा दिया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कोई भी स्पेसिफिक टास्क, कोई भी चीज़ें रन करनी है, लेट से मान लीजिए कोई आपको गेम ऑर्गेनाइज करना है या फिर कोई संस्था बनानी है, हाउसिंग सोसाइटीज भी होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आप उसको हाउसिंग सोसाइटी तो है ही आपके, आप उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो, या फिर खेल से कोई संस्था बनानी है, एसोसिएशन बनाना, तो वो सोसाइटीज़ बनती हैं। स्कूल मैक्सिमम सोसाइटीज़ के अंडर आते हैं, जो स्कूल होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटीज़ के अंदर होते हैं। तो उनकी इनकम पे इन्होंने क्या कहा कि 10,000 तक, कितना, 10%, अगर आपकी इनकम 10,000 तक है, अप टू 10,000 तक है, तो 10% किसे, और अगर 10,000 से 20,000 तक है तो 20%, और अबव 20,000 है तो 30%। मतलब अप टू 10,000 तक अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है, अप टू 10,000, 10 मतलब 10%, 10 10,000 तक है तो 10%, और अगर 10,000 से लेके कहाँ तक है, 20,000 तक, तो कितना, 20%। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10-10 याद रखने का सिंपल तरीका, 10,000 तक इनकम है तो 10%, 20,000 तक है तो 20%, और अगर 20,000 से ऊपर है तो सीधा 30%। अब ये देखिए कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी का जो स्लैब रेट मैंने आपको बताया था, ये वाला जो है ये इंडियन कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी। अगर नॉर्मल जो है, नॉर्मल कंपनी पे भी 30% ही लगेगा, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, कितना बताया था, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी कितना बताया था जी, हाँ जी 30% बताया था, फ्लैट 30%, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, LLP कंपनी, लोकल अथॉरिटी कितना, 30% नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन यह है 18-19 2021 के लिए, 2021 साल में, अगर 2020-2021 की अगर मुझे इनकम कैलकुलेट करनी किसी कंपनी की, तो 18-19 प्रीवियस ईयर 18-19 में उसकी सेल 400 करोड़ या उससे कम होगी तो मैं 25% टैक्स रेट लूंगा, नहीं तो 30%। ये कैसे देखेंगे, अब अगर मुझे, ये तो पिछले साल की बात होगी, अब कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, जस्ट अभी खत्म हुआ है, हाँ जी 21-22, अगर मुझे 21-22 में चेक करना है तो मुझे कौन से साल की देखनी पड़ेगी, 21-22 से एक पीछे लो 2021, और उससे एक पीछे ले लो, मतलब एक साल पीछे का छोड़ के जिस भी प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट करनी है उससे एक साल पीछे का छोड़ के उससे पिछले साल की ले लो, तो इससे पीछे कौन सा हो गया, 2021, तो एक पीछे का छोड़ दो, उन्नीस बीस की अगर सेल मेरी 400 करोड़ या उससे कम है तो कंपनी के केस में कितना लग जाएगा, बोलो जी फटाफट बोलो, 25%। अदर केसेस में कितना लगेगा, 30%। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी जिस भी साल की प्रीवियस ईयर की अगर मुझे कंपनी का टैक्स रेट चेक करना है, किसी भी साल का मुझे कंपनी का प्रीवियस रेट का टैक्स चेक करना है कि जी 25 लगेगा कि कितना लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, जिस भी साल का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उससे एक पीछे का छोड़ के उससे पीछे का ले लूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, 21-22 का अगर मैं कैलकुलेट कर रहा तो 2021 का छोड़ दूंगा और 19-20 का देखूंगा कि 19-20 की उसकी सेल कितनी है, 400 करोड़ या उससे कम है तो
25% अदरवाइज 30%. किस केस में? कंपनी के केस में, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और फॉरेन कंपनी मतलब अदर देन डोमेस्टिक कंपनी कितना लगेगा? 40%. क्या इसमें भी ये वाला कंडीशन लगा दें? हायर कौन सा जी? वो अगर मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ाऊंगा ना, उसमें वो आप बेयर एक्ट में लिखा हुआ, ये हमने सिंपलीफाइड करके लिखा हुआ है ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए आसानी. बेयर एक्ट की डेफिनेशंस किसमें? नहीं, वो तो फिर टीडीएस के प्रोविजंस हो गए ना. यहाँ तो मैं टैक्स रेट की बात कर रहा हूँ, वो टीडीएस के प्रोविजन है. टीडीएस का अभी नहीं पढ़ रहे हैं. किस पे? फॉरेन कंपनी पे. 40% फिक्स. ये टैक्स की बात हो रही, मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा. टीडीएस किस हिसाब से काटेंगे वो टीडीएस के चैप्टर में जाके देखेंगे. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो टीडीएस के चैप्टर में जाके देखेंगे. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की बात करें कि उस पर कितना इनकम टैक्स चार्ज करेंगे. क्या 400 करोड़? 400 करोड़ या 400 करोड़ से नीचे है. एक साल पीछे का छोड़ दूंगा, जिस साल का कैलकुलेट कर रहा हूँ उससे पीछे एक साल छोड़ के उससे पीछे वाले साल में जाके अगर उस साल की टर्नओवर, क्योंकि वहां की मैं चेंज नहीं कर सकता ना. इन्होंने समझदारी इसलिए दिखाई, अब 5% टैक्स रेट बचाने के लिए ये कुछ टैक्स प्लानिंग कर देते या कुछ खर्चे ज़्यादा कर देते तो और अपनी सेल डिक्रीज कर देते 400 करोड़ वाले जो 400 करोड़ के आसपास थे. तो उन्होंने सिंपली कहा कि आप उसकी तो रिटर्न जा चुकी होगी, सीए सर्टिफाई हो चुकी होगी, तो इसलिए उन्होंने एक साल पीछे का छोड़ा. एक साल ले तो पीछे का भी ले लेते कि आपकी प्रीवियस ईयर में जितनी सेल हो, मतलब जो पिछले वाला साल है. नहीं, इन्होंने कहा उससे प्रिसीडिंग वो वाला साल, हाँ प्रीवियस टू प्रीवियस, तो उसमें जाओ क्योंकि वहाँ पे आप बैलेंस शीट सर्टिफाई हो चुकी है. अब आप चेंज नहीं कर पाओगे. पिछले साल में तो आपकी रिटर्न ना गई हो, आप चेंज कर दोगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ रिवाइज कर दोगे. मैंने सिंपली कहा कि आप जो जा चुकी है, रिवाइज का भी टाइम जा चुका, वो आप लेंगे. हाँ एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि 60 साल अगर वो कौन सा नोट, ये कोई इतना खास नहीं है. रेट ऑफ टैक्स फॉर फॉरेन कंपनी इज 50% इन केस ऑफ ए सर्टेन स्पेसिफिक इनकम्स, स्पेसिफाइड रॉयल्टी फीस इनकम. ये जो आगे हम चैप्टर पढ़ने वाले वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको कि जो टेक्निकल सर्विसेज है या जो रॉयल्टी पे की जाए. अभी तो रॉयल्टी भी पढ़ाना मुझे, तो ये अभी यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है. जब आप आगे पढ़ के कभी नोट्स को रिवाइज करोगे तो उसके लिए है कि यहाँ पे ये चीज़ें लिंक हो जाएं, बस इसके लिए ये बात लिखी गई. अभी इस चीज़ को छोड़ दो, इस पार्ट को आगे जाके पढ़ेंगे. क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेंडिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 or 80 years ऑन 31 मार्च इटसेल्फ इन केस ऑफ ए सीनियर सिटीजन. मान लीजिए किसी बंदे का जन्म 1 अप्रैल को था जन्मदिन, और 31 मार्च को अगर हम 21-22 की बात करूं, अगर 31 मार्च 2022 और आगे 1-4-2022, अब वो कहता है कि किसी का जन्म 1 अप्रैल को हुआ था, 1 अप्रैल 1969-70 जो भी हुआ था, और वो 31 मार्च 2022 को वो कितने साल का हो रहा है, या तो 60 साल का या 80 साल का. तो वो कहते हैं 1 अप्रैल को छोड़ दो, फिर हम 31 मार्च को मान लेंगे कि वो 60 और 80 साल का हो गया. ये बहुत केस आए थे कि एक दिन पहले ही उनको 1 अप्रैल की बजाय उनका जन्मदिन हम 31 तारीख की रात को ही मान लेंगे 12 बजे, कि जी 60 साल का हो गया था, सिर्फ वो 50,000 का बेनिफिट लेने के लिए. ठीक है ना, ये क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आ गई थी. क्लैरिफिकेशन मैंने समझाया था, अब समझ आया क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि डाउट आ गया लोगों का कि जी मैं 1 अप्रैल को मानूं कि 31 मार्च को मानूं, तो गवर्नमेंट ने फिर क्लैरिफिकेशन दी. हाँ, सरचार्ज हम अभी नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में. आज की क्लास में मार्जिनल रिलीफ भी नहीं पढ़ेंगे. एक ये चीज़ मैंने आपको आज बताई दी थी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो 12,500 वाला जो एग्जाम्पल था कि जी
12,500 वाला, चलिए इसको पढ़ा देते हैं अभी। अगर कोई भी रेजिडेंट है, रेजिडेंट होना वो बहुत जरूरी, जिस देश में रहना चाहिए 182 डेज और मोर। रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब कंपनी को ये चीज़ नहीं मिलने वाली, पार्टनरशिप फर्म को ये चीज़ नहीं मिलने वाली, LLP को ये चीज़ नहीं मिलने वाली, इंडिविजुअल को मिलेगी। हुज टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम या तो 5 लाख या 5 लाख से कम, लेस देन का सिंबल है ये, 5 लाख या 5 लाख से कम होगी तो हम उसको 87A में रिबेट दे देंगे। अमाउंट कितनी मिलेगी, लोअर ऑफ दोनों में से कम, कितना, इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम और 12,500, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो मैं आपको छूट दे दूंगा। मान लीजिए किसी की रिबेट ही 7,500 बन रही है तो ऑब्वियसली 7,500 की रिबेट लेके ख़त्म करो, या 12,500 12,500 में से लोअर कौन सा है, तो 7,500 में उसको छूट दे के जीरो कर दूंगा। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये क्या है, सरकार का अभी भी पेट नहीं भरा। सरकार कहती है हमने टैक्स तो ले ही लिया, लेकिन हमने दो डिपार्टमेंट अलग से बनाए। पहले क्या होता था, पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ना अलग अलग लिया जाता था, एक 2% था और एक 1% था, पहले ये अलग अलग थे। हेल्थ अलग, हेल्थ सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो टैक्स लिया जाता है, सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो टैक्स चार्ज किया जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स। जो अभी तक हमने कैलकुलेट किया वो इनकम के ऊपर किया था, जो अब हम देख रहे हैं वो टैक्स की अमाउंट के ऊपर करेंगे। मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, इस पे आपने, ये आपकी क्या हो गई, इनकम, और इस 100 रुपये के ऊपर आपका टैक्स बन रहा था 10 रुपये, तो ये क्या हो गया, आपका टैक्स हो गया। तो इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया था ना 10%, और इसके ऊपर जो मैं कैलकुलेट करूंगा इस पे मान लीजिए 5%, 50% मान लीजिए सरचार्ज, यार 2 मिनट के लिए मान लो सरचार्ज, अगर ये 50% था मेरा तो ये मेरा टैक्स के ऊपर कैलकुलेट हुआ था, तो ये टैक्स के ऊपर सरचार्ज, तो सरचार्ज सेस, सरचार्ज नहीं भाई, सेस, सेस सरचार्ज नहीं, सरचार्ज अलग चीज़ है। तो जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% कैलकुलेट करूंगा ऑन किस पे, टैक्स वैल्यू पे, ठीक है, ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज अलग है माइनस रिबेट अंडर 87A। तो उन्होंने ये कहा रिबेट अंडर 87A शैल बी बिफोर एडिंग 4%, 4% ऐड करने से पहले ही रिबेट दे दूंगा मैं, नॉट अवेलेबल फॉर LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जब मैं कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तो वहां पे देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने इनकम कमाई तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज 4% हर कंडीशन में लगेगा, हर कंडीशन में, इंडिविजुअल HUF सॉरी सेस, जो भी सेस लगेगा वो आपका हर कंडीशन पे लगेगा, चाहे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इंडिविजुअल, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, सोसाइटीज, कुछ भी हुआ 4% सब पे लगेगा। मतलब पहले टैक्स कैलकुलेट कर लो किस हिसाब से, या तो स्लैब रेट के हिसाब से या फ्लैट रेट के हिसाब से, फिर उस टैक्स के ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, सेस, कौन सा सेस होगा, क्या नाम होगा उसका, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, किस परसेंट से निकलेगा, 4%, 4% पे। ठीक है जी, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अभी। कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राज, राज कौन है, इंडिविजुअल है, एक कंडीशन फुलफिल, 44 ईयर्स, 44 साल इसने क्यों लिखा, सीनियर सिटीजन के लिए, ताकि वो पता चल जाए। हुज टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, अब असेसमेंट ईयर भी आपको पता होगा, असेसमेंट ईयर 2020, इसका मतलब प्रीवियस ईयर, किस साल में ये इनकम कमाई होगी, फटाफट बताओ भाई, 19-20 में, 2019-20 में उसने ये इनकम कमाई कितनी, 12 लाख रुपये, कैलकुलेट करो जी एक बार, जरा अपने आप से कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो। जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं व्यूवर्स, अपने घर पे बैठ के आराम से, लेट के नहीं, बैठ के फटाफट कैलकुलेट करो जी, खड़े हो जाओ, सुस्ता रहे हो गए बहुत देर से,
अब आपकी प्रैक्टिकल क्लासे भी शुरू हो गई हैं, ये मान लीजिए अभी तक जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने आपका कवर कराया, आगे जो भी क्लासे चलेंगे उसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पार्ट चलेगा आपका। आज से उसका थोड़ा थोड़ा बिगुल बजा देते हैं। हाँ जी, 12 लाख उसकी टोटल इनकम है, बारह लाख पर अगर मैं इसको टुकड़ों में बांटूं तो फर्स्ट 2.5 लाख पर कितना करे जी? निल। अब जो इस 12 लाख में अगला 2.5 लाख है, 12 लाख में से 2.5 लाख खत्म हो गया, अगला जो रह गया उस पर कितना करूंगा? 5%। ये 2.5 लाख कौन सा ले आए सर आप? ये 2.5 लाख ले आया मैं जो 2.5 लाख से लेके और मेरा 5 लाख तक था, इसके आगे क्या करूंगा? 5 लाख पे कितना? कितना? 5 से 10 रह गया। हाँ जी, 20%। और जो बाकी 2 लाख रह गया, सर ये कैसे कैलकुलेट किया? 2.5 लाख जो 12 लाख उसने टोटल इनकम की थी उसके फर्स्ट 2.5 लाख पे, 12 लाख में से जो पहले 2.5 लाख थे वहां पे तो निल टैक्स दे दिया मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है 2.5 लाख तक तो दो ही मत, और अगर किसी ने 12 लाख तक कमाया तो पहले 2.5 लाख पे कह रहे जी जाओ, पहले 2.5 लाख अपना अलग निकाल के रख लो। उस 12 लाख में से 2.5 लाख मैंने अलग निकाल के रख लिए इस वाली जेब में से, इस वाली जेब में से। मान लीजिए ये मेरे पास, ये सारे के सारे मेरे पास 12 लाख रुपए है, ये मेरे पास 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए मान के चलो ये 12 लाख रुपए है। इस 12 लाख में से वो कहता है कि पहले जो 2.5 लाख हैं, पहले जो 2.5 लाख है ये 2.5 लाख इनको अलग निकाल के रख दो, इस पर हमें टैक्स नहीं चाहिए आपसे, मैंने अलग निकाल दिए, उस पर कोई टैक्स नहीं लूँगा, ठीक है सरकार कहती है इनकम टैक्स। अब कहती है जो अगले 2.5 लाख है, जो अगले 2.5 लाख हैं उसमें से 5% मुझे दे दो, मैंने इसमें से थोड़ा सा हिस्सा काट के सरकार को दे दिया, ये लीजिए 5%, जो बाकी बच गया वो मैंने अपने पास रख लिया। फिर कहती है जो अगले 5 लाख हैं उसमें से मुझे कितना परसेंट दे दो? 20%। इसमें से अब की बार तो मैंने छोटा हिस्सा काटा था, अब थोड़ा और बड़ा हिस्सा काट के सरकार को दे दिया, जो बाकी बच गया वो मैंने अपने पास रख लिया। अब जो बाकी मेरा 2 लाख बचा टोटल में से खत्म हो गए, बाकी जो 2 लाख बचा इसमें से उन्होंने कहा मोटा मोटी 30% मुझे, 30% मैंने उसको दे दिया और बाकी अपने पास रख लिया। तो अब कितना रेट आया टोटल बताओ जी, टैक्स रेट कितना दे दिया मैंने सरकार को? इस 12 लाख में से मैंने सरकार को कितना दे दिया? 1,72,500। अब इसके ऊपर कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें दे दो फटाफट जल्दी जल्दी जितने भी नोट्स थे, कुछ नहीं देने का, ठीक है सिर्फ समझाने के लिए था, नहीं नहीं नकली नहीं थे। तो कितना बन गया? 1,72,000। कैसे बना जी? इस 2.5 लाख पे 5% निकाला, कितना बन गया? 12,500। और इस पे जो 20% बना वो कितना बन गया? 5 लाख का 20% निकाला तो 1 लाख। और इस 2 लाख पे कितना बन गया? 60,000 रुपये। और अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 1,72,500। और अभी मैंने आपको समझाया था कि सब पे 4% का सेस लगेगा। सेस कौन सा था? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% इसका कैलकुलेट करो जी कितना बना? 1,79,400। अगर मैं 12 लाख रुपए कमाता हूँ, अगर मैं साल में 12 लाख रुपए कमाता हूँ, अगर मैं साल में 12 लाख रुपए कमाता हूँ तो सरकार को उसमें से 1,79,400 रुपए मैं सरकार को दे दूँगा।
ऐसे कैलकुलेट होगा। चलिए जी एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे ना मिसेज इसलिए दे रखा है कि पहले ना वो होता था, इन्होंने छूट कैसे दी थी, लेडीज के लिए भी छूट दी थी, जो आज के टाइम पे 50,000 की एक्स्ट्रा छूट है ना वो लेडीज के लिए दी। जेंट्स के लिए पहले इन्होंने सिर्फ 2.5 लाख तक छूट दी, लेडीज के लिए कितना था 3 लाख का स्लैब था, लेकिन अब ये मायने नहीं रखता, ये चीज खत्म हो चुकी है पहले। हाँ अब सेक्स पे कोई वो नहीं है कि जो वो होगा लेडीज हो जेंट्स हो कुछ भी हो उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको एक उससे मिलेगा। तो इन्होंने मिसेज एक्स का ये एग्जांपल इसीलिए लिखा गया है, 12 लाख पे नो, इस पे भी क्या होगा सेम लगेगा चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। उसके बाद आया जी अगला, हाँ जी कैलकुलेट करो, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रहीम 63 ईयर्स, कहता है जी 63 ईयर्स रहीम की टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम 12 लाख है, तो कहता है टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। कैलकुलेट करो जी, बैठे क्यों हो, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। दो कंडीशंस पहले फुलफिल होनी चाहिए रहीम, एक तो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर होगा तो ही मैं इसको 3 लाख तक एग्जेम्प्ट करेंगे। चलिए जी 12 लाख रुपए इसने कमाए, 12 लाख में से इसके फर्स्ट 2.5 लाख रख दूं क्या अलग, 3 लाख, शाबाश, इसके मैं 3 लाख अलग रख दूंगा क्योंकि ये 60 साल से ऊपर है, तो फर्स्ट 3 लाख थे वो मैंने निकाल के अलग रख दिए। फिर ले आए जी, फिर ले आए 12 लाख में से 3 लाख, फर्स्ट तीन लाख अलग रख दिए मैंने, अलग रख दी क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं रहे, सरकार कह रही है हमें 0 टैक्स चाहिए। उसके बाद अगले 2 लाख पे, क्योंकि फर्स्ट 3 लाख तक नील और 3 लाख से 5 लाख तक कितना था, कितना 20%, 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40,000। ट्वेंटी परसेंट लगाऊंगा इस पे, हाँ जी मैं यही देख रहा था, हाँ यहाँ रहेगा 5, 5 कितना हो गया 10,000 रुपये। अगले उस पे कितने पे, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना हो, कितना लगा दो 20% है, 20% कितना हो गया जी 1 लाख रुपये, और इस पे कितना हो गया 2 लाख पे, 2 लाख पे कितना 30%, मतलब 60,000, टोटल कितना हो गया जी 1,70,000 पूरा, पक्का कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, प्लस 4% प्लस 4% कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और ये है तो कितना मिला, डिफरेंस निकालो इनका,
179,400 माइनस 176,800। हाँ जी, अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है और 12 लाख रुपए कमा रहा है, और अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन नहीं और वो भी 12 लाख रुपए कमा रहा है, तो सरकार कहती है 60 साल वालों 2600 रुपए की हम आपको छूट दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन 60 साल या उससे ऊपर 2600 रुपए की छूट दी उन्होंने। चलिए जी आगे बात कर लेते। जॉय 70 साल का है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, जो अभी कनिष्का बात कर रही थी जिसकी, कि कोई बंदा सीनियर सिटीजन भी हो और नॉन रेजिडेंट, तो उसके लिए क्या लगेगा? बेसिक, उसने वही लगा दिया, 2.5 लाख तक 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस जो उसका 2 लाख रहेगा वही 179,000 जो हम लेके आए थे अभी, ये वाली सेम उस पर उतना ही लग गया। फिर क्या कहता है? फिर कहता है टोटल इनकम ऑफ राघव 26 साल का बंदा राघव, इनकम कितनी है? 4,45,000 कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी, 4,45,000, 5 लाख से नीचे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कैपिटल ए अंडर सेक्शन 87A, रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500 और जो भी टैक्स निकलेगा विच एवर इज लोअर उस पर निकल जाएगी। तो 4,45,000 में से फर्स्ट 2.5 लाख पे निल, फर्स्ट 2.5 लाख छोड़ दिया सरकार ने। उसके बाद कहता है नेक्स्ट जो 1,85,000 है उस पर कितना? 5%, 5% कितना बन गया मेरा? 9,250 रुपये। उस पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A लोअर ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स पेबल कितना है जी? 9,250 और 12,500 विच एवर इज लोअर, लोअर में से कौन सा आया? 9,250 और 12,500 में से कम कौन सा है? लोअर मतलब कम, तो इतना डिडक्शन दे दी निल, टैक्स रेट क्या हो गया? निल। तो जो 5 लाख से नीचे है उस पर मैंने आपको दिखा दिया, अब जिसकी एग्जैक्ट 5 लाख है उस पर कितना मिल जाएगा? टैक्स पेबल कितना है? फर्स्ट 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5% मतलब 12,500 और 12,500 उसका रिबेट हो गई, तो कितना? 12,500 की मिल गया, 12,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, लोअर कितना? सेम है, तो 12,500 की उसको छूट मिल गई। तो 5 लाख तक की अगर किसी की इनकम है 22 साल मिस्टर अनूप, तो उसको छूट मिल जाएगी। उसके बाद ये देखो, ये वाला मैंने आपको समझाया था जो लूप होल है यहाँ पे। अब इस बंदे की इनकम क्या थी ये देखो, दोनों के साथ जाति क्या हुई? जाति तो नीचे वाले के साथ हुई ना, इसने सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाए थे, और जैसे ही 100 रुपये इसने एक्स्ट्रा कमाए इसको कितना देना पड़ गया? 13,020 रुपये, 13,020 रुपये। प्रैक्टिकली देखो, इसने सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए थे और इसने 5,100 रुपये कमाए, जैसे ही इसने 100 रुपये कमाए वैसे इसकी रिबेट चली गई 87A की, जैसे ही 12,500 की रिबेट गई, ये अब ये क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि वो 100 रुपये कम कर दे कैसे न कैसे करके इनकम में, और 5 लाख तक ले आए, क्योंकि 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाने का मतलब 13,000 रुपये का टैक्स थोड़ी देंगे। तो यहाँ पे ये ना एक बहुत बड़ी कमी है, इसलिए इनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था। सेम एग्जाम्पल में फर्स्ट 2.5 लाख तक निल, अगले नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% दे देंगे 12,500, अगले 100 रुपये पे कितना? 20%, कितना हो गया? 12,520, लेकिन डिडक्शन कितनी थी? 12,500। तो इनमें से दोनों निकालते 12,500 और 12,520, विच एवरेज लोअर करूँगा तो 12,500, लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 5 लाख से ऊपर है, 87A में ये बात लिखी गई है, तो 5 लाख तक ही मैं डिडक्शन दे सकता हूँ। अब 100 रुपये कमाते ही हो गया, इसको 13,000 रुपये का टैक्स देना पड़ गया। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉन है 35 साल, 4.5 लाख टैक्स लाइबिलिटी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेकिन जॉन क्या है? नॉन रेजिडेंट। 87A किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ जो बंदा हिंदुस्तान का होगा, रेजिडेंट होगा, वही उसी को 87A 12.5 मिलेगी। तो जॉन को भी 10,400 का टैक्स देना पड़ जाएगा, मतलब 87A की रिबेट उसको नहीं मिलेगी।
मिस्टर ए एज 25 साल, हैविंग टोटल इनकम 51 लाख, 51 लाख पे कैलकुलेट करेंगे जी। अच्छा ये सरचार्ज वाले, सरचार्ज मैंने आज आपको नहीं पढ़ाया है, सरचार्ज हम अगली क्लास में देखेंगे, सेस देखेंगे, ठीक है जी। ये मोटा मोटी आपका बेसिक चैप्टर ख़त्म हो गया, अब आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, किस पे कौन बंदे? अब इसका ना एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसका है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस DTAA, इसको DTAA बोलते हैं। जब ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना डबल टैक्सेशन, मतलब दो बार टैक्स लग रहा है, वहाँ पे भी टैक्स लग रहा है, यहाँ पे भी टैक्स लग रहा है, तो वहाँ पे ना क्या होता है कि इनके ना संधि होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दूसरे देशों, इंडिया का उनके साथ, जापान के साथ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो देखा जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या छूट दी गई थी कि नहीं दी। एक ही देश में टैक्स लगता है, मैं आपको बता, सिर्फ एक देश में टैक्स लगेगा। DTAA जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसमें क्या प्रोविजंस आएगा। तो आज हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया करके, स्लैब रेट्स भी आपका कैलकुलेट करवा दिया, आज आपका मोटा मोटी बेसिक जो चैप्टर है, बेसिक इनकम टैक्स के जो चैप्टर था, वो प्रोविजंस, वो सेक्शंस, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। नेक्स्ट क्लास से हम अपना मेन जो इनकम टैक्स है वो शुरू करने वाले हैं। अभी तक सिर्फ आपकी इनकम टैक्स के साथ हाई हेलो हैंडशेक चल रहा था, अभी मोस्ट प्रोबली आपका हैंडशेक हो चुका है, आप वेरी वेल कनेक्टेड हो इनकम टैक्स से कि जी किसको क्या बुलाते हैं, स्लैब रेट क्या, इनकम टैक्स प्रोविजंस क्या, सर्कुलर्स क्या, नोटिफिकेशंस क्या, कंपनी किसको बोलते हैं, LLP किसको बोलते हैं, क्यों आया था इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पर्सन्स की डेफिनेशंस क्या हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में तैयार होकर आइएगा, अगली क्लास में हम मोस्ट प्रोबली कोई भी एक हेड ऑफ इनकम उठाने वाले हैं, चाहे सैलरी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी जो भी आपको समझाने की कोशिश होगी वो नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। अभी तक कैसी आप लोगों को क्लास लग रही है फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई भी डाउट आता है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं, नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए 8368587373। कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर या फिर जो भी KJ क्लासेस के नंबर हैं या ईमेल है उन पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आप अपने डाउट पूछिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।